घन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर से उर लाए, रघुपति की कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राज पद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मोदिका मेली मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाय, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते काके, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झोला, तब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजिया, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, अश्वर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव तिनाई, जो सतवार पाठ कर कोई, सुखई बंदी मां सुख हो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो दिशा की गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, बीजनाथ हृदय माडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति हो, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुर भूत सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भई सब संतन की जय, जय जय सीताराम। सभी को जय श्री कृष्णा, जय सियाराम, सभी को प्रेम प्रणाम। मनोरथी भगवदिया दिव्या बहन एवं अरुण भाई लोढ़िया से विनती है, आप परिवार समेत यहाँ मंच पर निराज पूजन अर्चन हेतु पधारिए।
आज विशेष पोरबंदर से हम सभी के बीच में हमारे श्री वल्लभ कुल से श्री वल्लभ कुलावतंस 1008 पूज्य पाद श्री वसंत कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित है। हम तालियों के नाद से स्वागत करें और पूज्य श्री आचार्य चरण के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। साथ में हमारे बीच में हमारे पोरबंदर के ही पूज्य भानुप्रकाश स्वामी जी की भी उपस्थिति है। हम प्रणाम निवेदन करते हैं, तालियों के नाद से हम स्वागत करें। मनोरथ के द्वारा पूजन अर्चन संपन्न होगा। हरि ओ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदले पदं वा समूढमस्य पापं सुरे स्वाहा नीलाम्बुजस्य मलको पुष्पाणि समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरिः ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपहवे श्रियं गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां ओमोघदीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवती प्रशोवरी अस्माकिव सजित्वरी भीरुदः पारिष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ॐ यो नित्यमच्युतपदाम्भुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्य जितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आदर्शना कुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्यमाता वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्गिनेणुपरतालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोष्म नित्यं गुरुमुपाहीत्या प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिकृतं शुल्कमागादुकामः ससुरममरमन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषां गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं यामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सखद्वेषिणं सेने संश्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये वेदान्तदेशिककटाक्षविवेदबोधं कान्तोपयन्तयमिनः करुणैकपात्रं वत्सान्यमायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यं साण्डिल्याभयवंशवारिदविदुं श्रीकोशलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं
साक्षास्त्राणवपारगाम विदुषां मान्यं मनोज्ञ श्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासने भूया नित्यश्री नित्यमंगलम् मंगलम् यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम् मंगलम् गुरुर्याय मंगलम् गुणसिद्धये पार्वतीकराय नित्यश्री नित्यमंगलम् जय तत्रास्फणिराजवतार मणि प्रबलपाषण्डतमो हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। दुलहा सरकार के रघुनंदन दुलहा के रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के कोई उपमान सकल
सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री आराम। आइए हम सभी संग मिलकर पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम के साथ प्रार्थना करें। कृपा पूर्वक हम सभी को दिव्य वाल्मीकि रामायण की कथा का रस स्वादन कराए। सभी की ओर से भक्ति पीठिका को प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री आराम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वाल्मीकि भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितं अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुक्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुभरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः।
अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपरांकुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं संतपूर्वाचार्यास्सहायाः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय सीताराम। भगवान श्री अयोध्यानाथ की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। भगवान का नाम इस कलिकाल में जीव के कल्याण का सरल और सुगम साधन है, और भगवान का नाम लेने में न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत है, न किसी से दीक्षा लेने की जरूरत है। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनागीक्षते, ऐसे मंगलमय भगवान के नाम का हम सभी लोग श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। Sitaram jay
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीताराम चंद्र जी भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमय उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित सनातन धर्म के महान पोषक पूज्य श्री रमेश भाई जी ओझा जी, आज की कथा में पधारे आचार्य द्वय एवं समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीताराम चंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप शारदीय नवरात्रि में इस पवित्र हरि मंदिर में आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है, और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को जानकर जीव की भगवान के चरणों में दृढ़ निष्ठा होती है। भगवान की शरण में हम जाएं, इसके लिए भगवान के स्वभाव और प्रभाव को जानना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए किसी की शरण में जाए तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि जिसकी शरण में हम जा रहे हैं क्या
क्या वह इतना प्रभावशाली है कि हमारी रक्षा कर सकता है? क्योंकि प्रभाव संपन्न व्यक्ति से को छोड़कर जिसके अंदर प्रभाव नहीं है, क्षमता नहीं है, ऐसे व्यक्ति की शरणागति करने पर शरणागति व्यर्थ हो जाती है। इसका उदाहरण भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शरणागति सर्वसमर्थ की जाती है, जो सर्वसमर्थ हो उसकी शरणागति की जाती है। श्री विभीषण जी के कहने पर भगवान ने समुद्र की शरणागति की और भगवान की शरणागति व्यर्थ हो गई, क्योंकि समुद्र सर्वसमर्थ नहीं था। अंत में समुद्र ने सर्वसमर्थ भगवान की शरणागति की। तो जिसकी हम शरणागति करें वह सर्वसमर्थ हो, उसके प्रभाव को हम जानें, और प्रभाव के साथ साथ जिसकी हम शरणागति करें उसके स्वभाव को भी जानना आवश्यक है। प्रभाव तो बहुत सुंदर लेकिन स्वभाव इतना रूखा है कि आने वाले व्यक्ति का तिरस्कार कर देता है, किसी को आश्रय नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति की भी शरणागति करने पर शरणागति व्यर्थ हो जाती है। इसलिए भगवान के समस्त गुणों में प्रभाव और स्वभाव दो गुण ऐसा है कि इसी गुण में भगवान के सारे गुण समाहित हो जाते हैं। भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ये भगवान का प्रभाव है। भगवान के सामने युद्ध में ब्रह्मा शंकर इंद्र भी नहीं टिक सकते, ये भगवान का प्रभाव है। भगवान अखिल ऐश्वर्य के स्वामी हैं, ये भगवान का प्रभाव है। भगवान अपने संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन संहरण करते हैं, लीला मात्र से अखिल भुवन जन्मस्थे मभंगादि लीले, ये भगवान का प्रभाव है। और स्वभाव बोले भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान करुणा वरुणालय हैं, बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, बिनत विविध भूत ब्रात अनेकानेक शरणागत भक्तों के समूह का संरक्षण करने की दीक्षा लेकर के बैठे हुए हैं, ये इनका स्वभाव है। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य के मंगलाचरण में ही कहते हैं कि बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, अनंत अनंत शरणागत भक्तों के समूह की रक्षा के लिए जिन्होंने दीक्षा ले रखी, संकल्प ले रखा है, ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव और प्रभाव यह हमें कैसे ज्ञात हो, इसका एक ही उपाय है कि हम भगवान की कथा श्रवण करें। भगवान की कथा के माध्यम से ही भगवान के स्वभाव और प्रभाव का जीव को अनुभव होता है। ये तो लाभ जीव को है, भगवान की कथा से भगवान के स्वभाव प्रभाव का बोध जीव को हो, ये लाभ जीव को प्राप्त हुआ। और भगवान की कथा से, भगवान की लीला से भगवान को क्या लाभ होता है, तो कहते हैं भगवान के गुणों की सार्थकता सिद्ध होती है। भगवान के जितने गुण हैं वो गुण अगर भगवान लीला न करें, अवतार लेकर के भगवान विविध लीला न करें, तो भगवान के जितने गुण हैं वो निरर्थक हो जाते हैं। हमारे आचार्यों ने चिंतन किया है कि भगवान वैकुंठ में बैठे रहें और कभी अवतार लेकर के भूमंडल पर मानवों के बीच में लीला करने के लिए ना आवें, तो भगवान के जितने गुण हैं वो गुण निरर्थक हो जाएंगे, उनका कोई प्रयोजन नहीं होगा। भगवान बड़े दयालु हैं लेकिन वैकुंठ में उनकी दयालुता का कोई उपयोग नहीं है। क्यों बोले, वहां कोई दया का पात्र होता ही नहीं, वैकुंठ में दया का कोई पात्र नहीं होता, क्योंकि वैकुंठ में भगवत धाम में जो जीव जाते हैं वो तो एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोक अजिघित्स अपिपास सत्यकाम सत्यसंकल्प आविर्भूत गुणाष्टक। श्रुति कहती है कि वैकुंठ प्राप्त कर लेने वाले वे जीव स्वतः दिव्य हो जाते हैं, न उनके अंदर भूख होती है, न प्यास होती है, न दुख होता है, न किसी प्रकार का कोई विकार होता है, तो फिर वहां दया का पात्र भी कोई नहीं होता।
तो वैकुंठ में भगवान का दया गुण व्यर्थ पड़ा है। भगवान भक्त वत्सल हैं और भगवान के अंदर क्षमा गुण है। वो क्षमा गुण वैकुंठ में बेकार पड़ा है, उसका कोई उपयोग नहीं। क्यों बोले, वैकुंठ में कोई अपराध करता ही नहीं, किसको भगवान क्षमा करें। कोई अपराध करे तब ना भगवान क्षमा करें। कोई अपराधी हो तभी तो भगवान के क्षमा गुण की सार्थकता हो। तो भगवान को भी विचार करना पड़ता है कि ये मेरे गुण वैकुंठ में रहकर निष्प्रयोजन पड़े हुए हैं, इनका प्रयोजन तो सिद्ध हो। तो भगवती महालक्ष्मी कहती हैं, प्रभु अब चलो, आप भी चलो और मैं भी चलूं, और संसार में चलकर प्राणियों के बीच में अवतार लेकर हम आप सब लीला करें, और लीला के माध्यम से आपके गुण सार्थक हों, उनका प्रयोजन सिद्ध हो, इसलिए भगवान का अवतार होता। भगवान की इन लीलाओं से भगवान के गुण की सार्थकता सिद्ध होती है और जीवों का परम कल्याण होता है। और बाकी जो भगवान के अवतार के प्रयोजन कहे गए वह तो केवल तार्किकों के लिए। भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन कहे, श्रीमद् रामचरितमानस में तो अनेक प्रयोजन भगवान शंकर ने बताया। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। गीता में भी भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। लेकिन ये सब बातें होते हुए मूल रूप से भगवान के गुणों की सार्थकता सिद्ध हो, इस भाव से भगवान अवतार लेकर विविध लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं के माध्यम से जीव का मन और चित्त भगवान में तन्मय होता है। और समस्त शास्त्रों के माध्यम से वेद, रामायण, उपनिषद, पुराण, इन समस्त ग्रंथों के माध्यम से एकमात्र भगवान की ही महिमा का वर्णन किया जाता है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, पुराण में, रामायण में, गीता में सर्वत्र भगवान की ही महिमा का वर्णन किया जाता है। और मूल रूप से समस्त शास्त्रों का पांच ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। पांच अर्थ क्या है, बोले उन पांच अर्थों को हमारे आचार्यों ने अर्थ पंचक कहा है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, प्राप्त्युपायं फलं प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधी च, वदन्ति सकला वेदास्येतिहास पुराणकाः, मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। वेद वेदांत के तत्व को जानने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा एवं वेद शास्त्र पुराण सभी ग्रंथ केवल पांच अर्थों को बताते हैं जो हमें जीवन में जानना चाहिए। पांच अर्थ क्या है, बोले पहला अर्थ प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, जिस ब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कौन है, उनका स्वरूप क्या है, एक अर्थ ये जानना जरूरी है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, और हम जीव जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या हैं, आत्मबोध। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, प्राप्त्युपायम्, उन परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है, इसका निरूपण। और फिर चौथा अर्थ फल, प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, प्राप्त्युपायम् फलम् प्राप्ते है। परमात्मा के स्वरूप को जानकर, अपने स्वरूप को जानकर, परमात्मा की प्राप्ति के साधन को जानकर, जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो उसका फल क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। और पांचवा अर्थ विरोधी अर्थ, तथा प्राप्ति विरोधी च। आज तक अनंत काल से हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, उससे दूर रहे,
क्या कारण था, उस कारण का चिंतन। मूल रूप से इन्हीं पांच अर्थों का ही चिंतन समस्त शास्त्रों में विविध विधाओं से किया जाता है। जितनी कथा, उपाय, सिद्धांत कहे गए, सारे सिद्धांतों का सार केवल इतना है, भगवान को जान लो, अपने आप को जान लो। भगवान कैसे मिलेंगे उस साधन को जान लो, और भगवान का मिलना जरूरी क्यों है, उन्हें पा करके हमें क्या सुख मिलेगा उस सुख को जान लो, और आज तक हम उन्हें पा नहीं सके कारण क्या था, उस कारण का चिंतन करके उसका निराकरण कर लो। यही पांच अर्थ समस्त शास्त्रों का सार है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधि च वदन्ति सकला वेदाः इतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। और इन्हीं पांच अर्थों का निरूपण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के पावन चरित्र के माध्यम से किया है। प्राप्यस्य ब्रह्मरो रूपम कौन है, बोले भगवान ही प्राप्य है। और जीव का स्वरूप क्या है, बोले जीव सदा से भगवान का किंकर और दास है। हम किसी के नहीं हैं, हम भगवान के हैं, यह हमारा स्वरूप है। और भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है, बोले भगवान की प्राप्ति का उपाय शरणागति है, समर्पण। इसीलिए वेदों ने कहा कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, उस परमात्मा को कोई प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे तो प्रवचन का अर्थ वहां पर उपनिषद में स्वशाखा अध्ययनोपरांत वेद का प्रवचन और व्याख्यान है, लेकिन जो प्रवचन आज होता है, हम सुनते हैं, उस अर्थ में भी अगर ग्रहण किया जाए तो नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, प्रवचन से भगवान नहीं मिल सकते। प्रवचन से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग मिल सकता है, लेकिन बहुत अच्छा हम प्रवचन कर लें और हमको भगवान मिल जाएंगे, बोले इसकी गारंटी, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम इह वैदुष्यम भुक्तये न तु मुक्तये। बड़े सुंदर प्रवचन के द्वारा आप संसार को रिझा सकते हो, दुनिया आपके पीछे दौड़ सकती है, लेकिन उस प्रवचन से भगवान तुमको मिल जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया, बहुत बुद्धिमान कोई हो, मेधावान हो, और उसे भगवान मिल जाएंगे, बोले इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति से तो भगवान और दूर भागते हैं, बोले ये बुद्धिमान हमारी भी दुर्दशा कर देगा। इसलिए भगवान तो कहते हैं पहले तुम अपनी बुद्धि का भी मेरे में समर्पण करो, मई बुद्धिम निवेशय। जब तक हमारी बुद्धि तर्क करती रहेगी तब तक उस परमात्मा को हम नहीं पा सकते। तो बुद्धिमान को भगवान मिलेंगे इसकी भी गारंटी नहीं, पागल को भगवान मिलते हैं, बुद्धिमान को नहीं मिलते। क्यों, बोले वो पागलों का यार है, वो बुद्धिमानों से तो दूर रहता हमारा। श्री कबीरदास जी महाराज का चरित्र है, श्री कबीरदास जी महाराज अपनी कुटिया में रहते थे, उनकी कुटिया के बगल में ही कोई नर्तकी का घर था। नर्तकी के यहां जब गीत संगीत होने लग जाए तो कबीरदास जी महाराज भी अपनी करताल लेकर के कीर्तन भजन करने लग जाए। उसके गीत संगीत में बाधा उत्पन्न होने लगी, उसके यहाँ आने वाले लोगों ने कहा ये बाबा कहाँ से आकर के पड़ोस में रहने लगा, हमारे आनंद में खलल डालता है, इसको हटाओ। तो नर्तकी ने कहा हम कैसे हटावें, तुम ही लोग कोई उपाय करो। तो उस नर्तकी के जो यार दोस्त लोग थे सब ने मिल करके बाबा की कुटिया में आग लगा दी, महाराज कबीरदास जी की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया जब जली तो पड़ोसी का भी घर जलेगा, स्वाभाविक। नर्तकी के घर में भी आग लग गई, जलता हुआ अग्नि का एक वो जलता हुआ सिल्क का एक पर्दा आकर के उड़ करके उस नर्तकी के मुंह पर गिरा, उसका मुख झुलस गया, सारा सौंदर्य समाप्त हो गया।
लोगों का आना जाना बंद, अब कौन उसको पूछे। रोती चिल्लाती आई और आकर के उसने कहा, महाराज मैंने अपराध किया, मेरे कारण आपकी कुटिया जली और उसका पाप मुझे भोगना पड़ा, आप मुझे क्षमा करो। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, देवी हमारा तुम्हारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है, तुम मेरी पड़ोस में रहती हो और पड़ोस व्यक्ति से तो पड़ोसी व्यक्ति से तो मित्रता करके रहना चाहिए, हमारा तुम्हारा तो कोई झगड़ा नहीं, ये तो यारों का झगड़ा था, तुम्हारे यार ने मेरे घर में आग लगाई और मेरे यार ने तुम्हारे घर में आग लगाई। तो ऐसे पागलों के यार हैं ठाकुर, पागलों को ठाकुर मिल जाते, बुद्धिमानों से बहुत दूर रहते। तो नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुनाशुतेन यमे वैश वृणते तेन लभ्या, वो स्वयं जिसका वर्ण करेंगे वही उनको प्राप्त कर पाएंगे। और वो वर्ण किसका करेंगे, तो भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य में इस प्रश्न का समाधान करते हैं कि प्रियतम ही वर्णीयो भवति, प्रियतम का ही वर्ण होता है, प्रियतम ही वर्णीयो भवति, भगवान हमारा वर्ण तब करेंगे जब हम भगवान के लिए प्रियतम हो जाएंगे। और हम भगवान के लिए प्रियतम कब होंगे, बोले जब भगवान हमारे प्रियतम हो जाएंगे। क्यों, बोले भगवान का सिद्धांत है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान को प्राप्त करने का यही उपाय है कि हम भगवान के चरणों में समर्पण कर दें, यही शरणागति है। और इन सारे विषयों का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पग पग पर महर्षि वाल्मीकि ने कहा है। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, भगवान यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, यज्ञो हवई विष्णु, भगवान विष्णु भगवान नारायण यज्ञ स्वरूप हैं और यज्ञ से ही इनका अवतार हुआ और यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं और यज्ञ में ही इनका विवाह भी होगा। यज्ञ से प्रकट हुए भगवान श्री राम और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं और आगे चलेंगे तो इनका विवाह जहां होगा वहां भी क्या हो रहा है, बोले यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ, यज्ञ वहां भी चल रहा है। और राम जी केवल यज्ञ से प्रकट हुए, यज्ञ से यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ में विवाह हुआ, स्वयं यज्ञ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भगवान यज्ञ का विनाश भी करते हैं। रामायण में कथा है, मेघनाथ ने और रावण ने जब यज्ञ किया तो उसके यज्ञ का भगवान ने विनाश करा दिया। मेघनाथ मख करत अपावन, मेघनाथ भी यज्ञ कर रहा था, वहां दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ, दशानन यज्ञ कर रहा था और उस यज्ञ में मांस और रुधिर की आहुति दे रहा था, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। तो भगवान ने अपने बानरों को भेजकर उसके यज्ञ का विध्वंस करा दिया। जो यज्ञ लोक मंगल के लिए हो, लोक कल्याण के लिए हो, उस यज्ञ की भगवान रक्षा करते हैं, और जो यज्ञ किसी के विनाश और संहार के लिए हो, ऐसे यज्ञ का भगवान विनाश कर देते हैं। यज्ञ स्वरूप परमात्मा भगवान श्री रघुनंदन ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और फिर कुछ दिन भगवान वहां रुके। उसी समय जनकपुर से निमंत्रण आया, दूत लोग निमंत्रण लेकर के आए विश्वामित्र जी के यहां कि आप मिथिला पधारो। मिथिला नरेश श्री जनक जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ में आप पधारो, कृपा करो। यज्ञ का जब निमंत्रण आया तो विश्वामित्र जी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, अगर मैं यज्ञ में जाता हूं तो राम जी को अयोध्या कैसे पहुंचा पाऊंगा, और अगर राम जी को अयोध्या पहुंचाने में चला जाऊं तो यज्ञ में नहीं जा पाऊंगा, यज्ञ में भी जाना अनिवार्य है क्योंकि जनक जी का निमंत्रण आया, और अगर मैं यज्ञ में चला जाऊं राम जी को भी लेकर के चला जाऊं, इन्हें न पहुंचाऊं तो कहीं दशरथ जी मन में ये न सोच लें, मेरे बेटों को एक सप्ताह के लिए लेकर के गए थे और अभी तक घुमा रहे हैं, लेकर के आए नहीं,
कहीं दशरथ जी के मन में पीड़ा न हो। फिर श्री विश्वामित्र जी ने सोचा, नहीं नहीं, लेकर के तो हम चलेंगे राम जी को, लेकिन ऐसे लेकर के नहीं, अब तो बहू के सहित ही ये पधारें तभी अच्छा होगा, लेकिन अब राम जी को कैसे समझावें। विश्वामित्र जी सोचने लगे, कहीं इनको अपने पिता की याद आ रही होगी, 10 दिन हो गए हैं और इनको अपने पिता के दर्शन की लालसा होगी, और मैं इनको कहूं कि आप चलो जनकपुर, तो संकोच में तो चलेंगे लेकिन इनके मन में प्रसन्नता नहीं होगी, तो प्रसन्नता पूर्वक ये मेरे साथ चलें, इसका कोई उपाय करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, जनकपुर में विदेहराज जनक एक यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ से निमंत्रण आया है, और तुम मेरे साथ अगर इस यज्ञ में चलोगे तो एक बहुत बड़ा लाभ होगा। बोले, क्या लाभ होगा? तो विश्वामित्र जी कहते, वहां तुमको एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। अद्भुतम च धनुरत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि, वहां पर तुमको एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। तद्धि पूर्वम नरश्रेष्ठ दत्तम सदसि दैवतैः, देवताओं ने वो दिव्य धनुष महाराज जनक को दिया है, उस दिव्य धनुष का दर्शन होगा तुम्हें। राम जी ने कहा, कैसा धनुष? जैसे हमारा ये धनुष है ऐसी धनुष होगा? विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा धनुष नहीं, ऐसा धनुष है कि हजार हजार वीर भी मिल करके उस धनुष को उठा नहीं पाते। अब राम जी को कुतूहल हुआ, ऐसा भी कोई धनुष होता होगा जिसको हजार वीर मिल करके नहीं उठा सकते? तब राम जी ने कहा, गुरुदेव, जिस धनुष को हजारों वीर मिल करके उठा नहीं सकते, उस धनुष पर डोरी कैसे चढ़ाई जाती होगी? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, साधारण व्यक्ति उस धनुष पर डोरी नहीं चढ़ा सकता। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव, ऐसे विलक्षण धनुष के ऊपर जो बाण चलाए जाते होंगे, वो बाण कितने बड़े, विशाल और विलक्षण होते होंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ ऐसा ही है। अब तो महाराज ये सुन करके दोनों भाइयों के मन में कुतूहल हुआ, हम भी देखें ऐसा धनुष, क्योंकि क्षत्रिय कुमार हैं, अस्त्र शस्त्र धनुर्विद्या के पारंगत हैं, इसलिए ऐसी विलक्षण चीज को देखने की उत्सुकता उत्पन्न हो गई। और भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे और हम ऐसे धनुष का दर्शन करेंगे। अब तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, अब ये प्रसन्नतापूर्वक चलेंगे तो यात्रा में आनंद होगा। इन सारे भावों को गोस्वामी जी महाराज एक पंक्ति में कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। हरस चले के सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ का वर्णन सुनकर हर्षित होकर दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। रास्ते में विश्वामित्र जी ने भगवान को खूब कहानियां सुनाई, कथा सुनाई, जिससे मार्ग में जाने में कोई श्रम न हो। मार्ग की यात्रा सुखद हो, इसलिए विश्वामित्र जी ने भगवान को खूब कथाएं सुनाई। गंगा कैसे प्रकट हुई, गंगा का अवतरण कैसे हुआ, समुद्र मंथन की कथा, ये सब कथा सुनाई। रास्ते भर विश्वामित्र जी भगवान को कथा सुनाते हुए जा रहे हैं, और कथा सुनते सुनते कब मिथिला में पहुंच गए पता ही नहीं चला। और मिथिला के उपवन में एक सुंदर बगीचे में विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनिमंडली के साथ विश्राम करते हैं। मिथिलोपवने तत्र, मिथिला के उस उपवन में विश्वामित्र जी ने विश्राम किया। वहां पर एक बड़ा सुंदर आश्रम था। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः, पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनि पुंगवम्।
मिथिला में ही, मिथिला के एक उपवन में सुंदर आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम कैसा है? बड़ा विलक्षण आश्रम था, पुराणम निर्जनम रम्यम, बहुत पुराना आश्रम था, निर्जनम, वहां कोई नहीं रहता था, निर्जन, पशु पक्षी भी नहीं रहते थे। उस आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम इतना सुंदर, लेकिन यहां तो कोई रहता ही नहीं। तो विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम को बताते हैं, राम ये आश्रम महर्षि गौतम का आश्रम, आश्रम एक दीख मग माही, रास्ते में एक आश्रम दिखा। मानस जी के अनुसार, श्रीमद् रामचरित मानस रामायण के अनुसार, मिथिला पहुंचने के पहले ही रास्ते में ही आश्रम मिला, जहां पर भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। लेकिन वाल्मीकि जी के अनुसार, जब मिथिला में भगवान पहुंचे तो वहां पर मिथिला के उपवन में उस आश्रम को देखा, पुराणम निर्जनम रम्यम प्रच्छ मुनि पुंगवम, और भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कैसा आश्रम? तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, संपूर्ण कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये महर्षि गौतम का आश्रम, परम तपस्वी महात्मा गौतम यहां निवास करते थे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ, ये उनका आश्रम है। उनकी पत्नी अहिल्या परम सुंदरी, अहल्या का मतलब ही होता है जिसके अंदर हल्य न हो वो अहल्या, हल्य माने कुरूपता। अहल्या परम सुंदरी, और अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री, ब्रह्मणा निर्मिता अहल्या द्विमुखी गोह परिक्रमात्, अहिल्या को ब्रह्मा ने अपने संकल्प से प्रकट किया था, परम सुंदरी अहिल्या। अहिल्या के सौंदर्य को देखकर इंद्र वरुण कुबेर सब चाहने लगे कि ब्रह्मा जी इस कन्या का दान मुझे कर दें, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक शर्त रख दी। ब्रह्मा जी ने कहा, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसको मैं अहिल्या का दान करूंगा। जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा उसको मैं अहिल्या का दान कर दूंगा। अब सब लोग परिक्रमा करने चले और महर्षि गौतम बोले, महर्षि गौतम के घर जो गाय थी, उनके आश्रम में जो गौ माता थी, वो गौ माता बछड़े को जन्म देने जा रही थी, और ज्यों ही प्रसव होने लगा, बछड़े का मुख बाहर निकला गाय के शरीर से, आधा निकला आधा अभी गर्भ में ही। जब गाय बच्चे को जन्म देती है तो बछड़े का मुख और आगे के दो पैर बाहर निकल आते हैं और पीछे का हिस्सा गर्भ में ही रहता है। उस समय जो गाय होती है उसको द्विमुखी गाय कहते हैं, दो मुख वाली गाय, आगे भी मुख और पीछे भी। और उस समय उस गाय की जो परिक्रमा कर ले उसको संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का ही फल प्राप्त हो जाता है। और उस समय जिस समय गाय के दोनों तरफ मुख दिखाई दे रहा हो प्रसव के समय, उसी समय उस गाय का स्वामी अगर ये संकल्प कर ले कि इस गाय का मैं अमुख आचार्य और ब्राह्मण को दान कर रहा हूं, तो संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल उसे प्राप्त हो जाता है। महर्षि गौतम तो शास्त्रज्ञ थे, सकल शास्त्र को जानने वाले। महर्षि गौतम ने देखा, मेरी गौ बच्चे को जन्म दे रही है, ये पृथ्वी स्वरूपा है, मैं इसी की परिक्रमा कर दूं। और महर्षि गौतम ने गाय की परिक्रमा की और परिक्रमा करके आकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, द्विमुखी गोह परिक्रमात्, दो मुख वाली गाय की परिक्रमा करके आ गए गौतम महर्षि। और गौतम महर्षि ने कहा, पितामह मैंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। महर्षि गौतम की इस बुद्धिमत्ता से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत उन्होंने अहिल्या का दान कर दिया, दत्ता पुरा गौतमाय, महर्षि गौतम को अहिल्या का दान कर दिया।
अहिल्या को लेकर के महर्षि गौतम आए और आश्रम में रहने लगे। लेकिन देवराज इंद्र के मन में अहिल्या के प्रति आसक्ति बनी रही और एक दिन देवराज इंद्र आए और महर्षि गौतम का ही वेश धारण कर लिया और आकर के अहिल्या से कहा कि संगमम त्वहमिच्छामि, संगमम त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे, हे सुमध्यमे मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूं। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन, मुनि का वेश धारण किए हुए इंद्र को देखकर अहिल्या जान गई कि ये इंद्र हैं। ऐसा नहीं था कि इंद्र ने अहिल्या को धोखा दिया था। वाल्मीकि जी कहते हैं अहिल्या को पता है कि ये इंद्र है। मुनि वेश धर्म विज्ञाय रघुनंदन, मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। विश्वामित्र जी कहते हैं हे रघुनंदन, मुनि के वेश में आए हुए सहस्राक्ष इंद्र को जान लिया अहिल्या ने, लेकिन अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को, अहिल्या के निवेदन का तिरस्कार नहीं किया, अपितु अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। यही अहिल्या का अपराध था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मतिम चकार दुर्मेधा, उस समय उसकी बुद्धि विकृत हो गई। मतिम चकार दुर्मेधा, और क्यों दुर्बुद्धि आ गई? कहते हैं देवराज कुतूहलात्। देवराज कुतूहलात्, अहिल्या को कुतूहल हुआ कि मैं इतनी सुंदरी हूं कि मेरे सौंदर्य पर देवराज इंद्र भी मुग्ध हैं। अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया अहिल्या को और अहिल्या ने इंद्र के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेनांतरात्मना, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छसि घ्रमित प्रभो। अहिल्या ने कहा हे देवराज इंद्र, आपको पाकर के मैं कृतार्थ हो गई, अपने किए पर अहिल्या को पश्चाताप भी नहीं हुआ। यही सब अपराध था अहिल्या का। अहिल्या कहती हैं कि कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो, अब आप जल्दी से यहां से चले जाओ क्योंकि मेरे स्वामी महर्षि गौतम के आने का समय हो रहा है। आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्, अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना महर्षि गौतम के क्रोध से। देवराज इंद्र हंसते हुए चल पड़े। सुश्रोणी परितुष्टोस्मि, हे सुश्रोणी मैं परितुष्ट हूं और जा रहा हूं। इस प्रकार कह करके देवराज इंद्र ज्यों ही महर्षि गौतम के आश्रम से बाहर निकलने लगे, तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो, देवराज इंद्र को जब महर्षि गौतम ने देखा तो विषण्ण बदनो भवत, देवराज इंद्र तो थरथर कांपने लगे, अब क्या होगा। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेश धरम मुनि, मुनि का वेश धारण किए हुए सहस्राक्ष को गौतम मुनि ने जब देखा, दोनों एक जैसे हैं लेकिन काव्य की जो विधा है कांता सम्मित तयोपदेश युजे, उस विधा का यहां पर निदर्शन हो रहा है। इंद्र भी महर्षि गौतम के समान दिख रहे हैं, मुनिवेश धर्म, और महर्षि गौतम तो है ही हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? आकृति प्रकृति स्वरूप एक जैसा दिख रहा है। तो कहते हैं दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो, अंतर अगर कुछ है तो इंद्र कौन है? बोले दुर्वृत्तम, और महर्षि गौतम बोले वृत्त संपन्नो, वो वृत्त संपन्न है, चरित्र संपन्न है। रोषाद वचनम अब्रवीत,
अत्यंत रोष में देवराज इंद्र को महर्षि गौतम ने शाप दे दिया, जाओ तुमने जो ये अकर्तव्य किया है इसका फल तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारा वृषण नष्ट हो जाए, तुम्हारा कोष नष्ट हो जाए, विफलस्तुम भविष्यसि। उसी समय देवराज इंद्र वृषणहीन हो गए। सामने अहिल्या खड़ी थी, थर थर कांप रही थी। अहिल्या की ओर जब दृष्टि गई महर्षि गौतम की, तो महर्षि गौतम ने कहा, पापचारिणी तूने ये जो अपराध किया है, जा मैं शाप देता हूं। बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, इसी आश्रम में रहकर तू हवा पी करके रहेगी, तुझे भोजन नहीं मिलेगा। बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, और तू भूमि पर धूलि में शयन करेगी। अदृश्या सर्वभूतानां, तुझे कोई देख नहीं पाएगा। तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। तू सबसे अपना दुख सुनाएगी लेकिन तेरा दुख कोई सुन नहीं पाएगा। अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि, इसी आश्रम में रह करके तू हजारों वर्ष तक अपने पाप का प्रायश्चित करेगी। कितने दिनों तक? बोले इह वर्ष सहस्राणी बहूनी, अनेक हजार वर्षों तक। अहिल्या चरणों में गिर पड़े। अहिल्या ने कहा, मुनिवर मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे होगा, मेरा उद्धार कब होगा? महर्षि गौतम को दया आ गई। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। जीव अपराध करे तो उन्हें क्रोध आता है, लेकिन जीव अगर अपराध स्वीकार कर ले, क्षमा की याचना करे, तो महात्माओं का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, वो क्षमा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। महर्षि गौतम ने कहा, जाओ शाप तो मैंने दे दिया, लेकिन अब इस शाप में मैं संशोधन कर रहा हूं। इसको कहते हैं शापानुग्रह। शाप तो दे दिया लेकिन उस शाप को अनुग्रह में बदल देना, इसको कहते हैं शापानुग्रह। इसको आप ऐसे ही समझो जैसे कोई संविधान बन गया लेकिन उस संविधान में कुछ खामियां रह गई, तो दोबारा उसमें एक पंक्ति और जोड़ दी जाती है और संविधान संशोधन हो जाता है। उसी प्रकार महर्षि गौतम ने कहा कि अब शाप तो मैंने दे दिया है लेकिन अब मैं अनुग्रह कर रहा हूं। महर्षि गौतम ने कहा, यदा ते तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति। जिस दिन दशरथ नंदन श्री राम इस आश्रम में आएंगे, उनके आने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से तू पवित्र हो जाएगी, तेरा शाप ताप सब समाप्त हो जाए। यदा त्वेतद् वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति, उसी दिन तू पवित्र हो जाएगी। महर्षि गौतम ने अहिल्या को शाप दिया कि वरदान दिया, विचार करना। भगवान के दर्शन का मानो वरदान दे दिया कि अब तुझे भगवान का दर्शन होगा। ऐसे शायद अहिल्या को भगवान का दर्शन न होता, लेकिन अब तो भगवान का दर्शन तय है कि भगवान आएंगे और अहिल्या को भगवान का दर्शन होगा और अहिल्या परम पवित्र हो जाए। इसीलिए संतों ने कहा कि क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान होता है। श्रेष्ठ जन अगर क्रोध करते हैं तो उस क्रोध से भी जीव का कल्याण होता है, वो वरदान से कम नहीं होता। अब तो अहिल्या प्रसन्न हो गई और अहिल्या वहीं पर अदृश्य होकर आश्रम में निवास करती। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम इस अहिल्या का उद्धार करो। और मानस रामायण में कहते हैं कि विश्वामित्र जी जा रहे थे, राम जी पीछे पीछे चल रहे थे। विश्वामित्र जी तो आगे निकल गए, शिला रूप में जो अहिल्या पड़ी थी विश्वामित्र जी ने देखा ही नहीं, आगे चले गए। भगवान श्री राम ने देखा
और भगवान श्री राम ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये कैसी शिला है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। शिला को प्रभु ने देखा। विश्वामित्र जी तो आगे निकल गए। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये कैसी शिला है? तो विश्वामित्र जी ने घूम करके देखा और मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस रास्ते से कितने लोग आते हैं और जाते हैं, और मैं भी कितनी बार आया गया, लेकिन आज तक इस शिला पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी, तुम्हारी दृष्टि कैसे पड़ गई? तो राम जी मुस्कुराने लगे। मानो राम जी कहना चाहते हैं, गुरुदेव जिसको कोई नहीं देखता, जिसको कोई नहीं पूछता, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं होती है, ऐसे दीनहीन पर ही मेरी दृष्टि होती है। पूछी शिला, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुनंदन, ये आपके चरण कमल रज को चाहती है, आप इसका उद्धार करो, आपके द्वारा ही इसका उद्धार होगा। भगवान ने अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार किया। ये अहिल्या उद्धार की कथा अनेक पुराणों में अनेक प्रकार से है। मानस कल्प के अनुसार तो भगवान ने अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार आश्रम में भगवान प्रविष्ट हुए, भगवान का दर्शन करते ही अहिल्या शाप मुक्त हो गए। स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान ने अपने चरण से नहीं, अपने हाथ से अहिल्या का उद्धार किया। शिला के रूप में अहिल्या थी। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन, तुम अपने हाथों से, अपने कर कमल से इसको छू दो, इसका उद्धार हो जाए। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने कर कमल से उस शिला का स्पर्श किया, अहिल्या का उद्धार हो गया। आध्यात्म रामायण में और भी अनेक रामायण में ऐसा वर्णन है कि महर्षि गौतम ने शाप दिया था, जा तू नदी के रूप में हो जा। अहिल्या नदी के रूप में बह रही थी वहीं आश्रम के किनारे। महर्षि गौतम ने कहा इसका उद्धार करो। भगवान श्री राम ने जाकर के उस नदी के जल का ज्यों ही स्पर्श किया, नदी गायब हो गई और अहिल्या के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार अहिल्या के उद्धार की कथा पुराणों में अनेक प्रकार से है, और ये अहिल्या का चरित्र वैदिक चरित्र है। वेदों में भी अहिल्या का वर्णन है। वेद में देवराज इंद्र की जब स्तुति की जाती है तो बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों में इंद्र का स्तवन करते हुए कहा जाता है अहिल्यायाः जार, जो अहिल्या के जार है। सोम यागादि कर्म जब होता है तो वहां पर इंद्र के लिए जो स्तोत्र पाठ होता है वहां पर भी अहिल्या का स्मरण होता है। ये सब कथाएं वेदों में सूत्र रूप में विद्यमान है, इसीलिए रामायण वेदावतार है। वेदों के रहस्य का ही प्राकट्य है रामायण के माध्यम से। भगवान विश्वामित्र जी के कहने पर आश्रम में प्रवेश करते हैं, और ज्यों ही भगवान ने आश्रम में प्रवेश किया, भगवान का दर्शन करते ही अहिल्या शाप मुक्त हो गई और सुंदर दिव्य रूप में प्रकट हो गई, और फिर अहिल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। परिषत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा
मुख नहीं आवई बचन कही अति से बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही धीरज मन कीना प्रभु का चीना रघुपति कृपा भगत पाई अति निर्मल पानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम जय रघुराई नारिया पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण आई मुनि श्राप ज्योतिना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखो परिलोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी नाथ न मांगू पर आना पर कमल परागा रस अनुरागा मन मन मधुप करे पाना यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीष धरी सोई पद पंकज यही पूजत अज मम सिर धरे उपवार हरि यही भांति सितारी गौतम नारी बारी बारी हरि चरण परी जो अति मन भावा सोवर पावा गए पति लोक आनंद भरी पर सत पद पा पर सत पद पा पर सत पद पा भगवान की कृपा से अहिल्या का उद्धार हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी। अभी भगवान ने अहिल्या का उद्धार नहीं किया, उसके पहले ही विश्वामित्र जी कहते हैं तारयिनाम इसका आप उद्धार करो। क्यों? बोले महाभागाम, ये महाभाग्यशालिनी है। अरे अभी उसका उद्धार नहीं हुआ फिर भी उसको कह रहे हैं विश्वामित्र जी महाभाग्यशालिनी है। तारयिनाम महाभागाम और इतना ही नहीं अहिल्याम देवरूपिणीम, जो देवरूपिणी है। क्यों? बोले विश्वामित्र जी इसलिए कहते हैं राम ये महाभाग्यशालिनी है। क्यों? बोले भाग्यशाली तो वो है जो चल करके आपके चरणों में पहुंचे, वो तो भाग्यशाली। जो चलकर आपके चरणों में पहुंच जाए वो भाग्यशाली, और जिसके ऊपर कृपा करने के लिए आपके चरण स्वयं चल करके चले आवे वो महाभाग्यशाली। तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी, ये देवरूपिणी है, आप इसका उद्धार करो। अहिल्या का उद्धार हुआ। अहिल्या जब अपने निज स्वरूप में प्रकट हो गए, अब मर्यादा देखो राम जी की। अहिल्या जब अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? बोले अहिल्या ब्राह्मणी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगहतुर्मुदा। प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने दोनों भाइयों ने राघवौ दोनों भाइयों ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। ये ठाकुर जी की विनम्रता, इनका सौशील्य, सारे सद्गुण यहां दिखाई पड़ रहे हैं। स्वयं भगवान से उसका उद्धार हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी भगवान अहिल्या को प्रणाम कर रहे हैं। मर्यादा का पालन। क्या अहिल्या
ऋषि पत्नी है। और फिर अहिल्या ने भगवान का आतिथ्य किया, क्योंकि आश्रम में भगवान आए हैं अतिथि के रूप में। तो अहिल्या ने पाद्यम अर्घ्यम तथा तिथ्यम चकार सुसमाहिता, अहिल्या ने भगवान का आतिथ्य किया। इस प्रकार अहिल्या का उद्धार हुआ। महर्षि गौतम आए और अहिल्या को शुद्ध पवित्र रूप में पाकर के बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महर्षि गौतम ने जब अहिल्या को शुद्ध पवित्र रूप में देखा, भगवान की कृपा हो गई, तो अहिल्या को लेकर के जब महर्षि गौतम जाने लगे तो महर्षि गौतम को क्या लगा? बोले महर्षि गौतम को यही लगा कि आज ही मानो मेरा ब्याह हुआ है और मैं बहू को लेकर के जा रहा हूं। पुरानी सारी बातें भूल गए महर्षि गौतम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जिनकी धूर परस अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौनों सो लवाई को। ब्याह के बाद गौना होता है, हमारे पूर्व में परंपरा है, विवाह हो जाता है, फिर विवाह के 2-3 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद बहू को लेकर के जाते हैं, गौना होता है। तो गौतम महर्षि जब अहिल्या को लेकर के जा रहे हैं तो उनको यही अनुभव हो रहा है कि गौतम सिधारे गृह गवनों सो लवाई के। महर्षि गौतम को लगा कि मेरा विवाह हुआ है और मैं गौना करा करके लेकर के जा रहा हूं। पूर्व का जो व्रत था, जो बातें थीं, जो मन में दुख था, वो सब निवृत्त हो चुका था, वो सारी बातें विस्मृत हो गईं। इस प्रकार महर्षि गौतम प्रसन्न होकर अहिल्या को लेकर के विदा हुए। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। ये भगवान की जो अयोध्या से यात्रा हुई है, ये यात्रा बड़ी विलक्षण यात्रा है राम जी की। हमारे आचार्य जन कहते हैं ये यात्रा जो है ना, ये महिला मंगल यात्रा है। ये भगवान श्री राम की अयोध्या से जो मिथिला की यात्रा है, ये महिला मंगल यात्रा है। इस यात्रा में भगवान ने महिलाओं का ही कल्याण किया और अपने अवतार लीला में महिलाओं को ही भगवान ने प्रथम प्राथमिकता दी। पहले महिलाओं का ही कल्याण किया। और महिलाएं 3 प्रकार की होती हैं। महिलाओं के जीवन की 3 अवस्था होती है। एक अवस्था अधवा, अधवा माने जिसका विवाह नहीं हुआ है, जिसके धव नहीं है, पति नहीं है, अधवा। और दूसरी बोले जिसका विवाह हो गया वो सधवा, जिसके पति। और तीसरी बोले जिसका विवाह तो हो गया, पति थे लेकिन कारणवश अब नहीं है, बोले तब बोले वो विधवा। तो अधवा, सधवा, विधवा महिलाओं के जीवन की 3 दशाएं होती हैं। और इस यात्रा में भगवान ने 3 प्रकार की महिलाओं का कल्याण किया, इसलिए ये महिला मंगल यात्रा भगवान की हो रही। पहले ताड़का का कल्याण किया, ताड़का को भगवान ने परम गति प्रदान की, वैकुंठ प्रदान किया। ताड़का कौन थी? बोले विधवा थी, उसका पति मर चुका था, भटक रही थी। भगवान ने सोचा इसको वैकुंठ भेज दें, इसका कल्याण हो, तो ताड़का को भगवान ने वैकुंठ भेजा। और ये अहिल्या कौन थी? बोले अहिल्या सधवा, इसके पति महर्षि गौतम हैं लेकिन पति ने त्यागा है, इस अहिल्या को पति से मिला दिया, ये सधवा स्त्री का मंगल किया। और अब आगे जब जनकपुर पहुंच जाएंगे तो वहां जनक जी की कन्या जो सीता हैं, जो अधवा हैं, जिनको धव की प्राप्ति नहीं है, उनको पति रूप में स्वयं प्राप्त होकर के उनका भी परम मंगल कर देंगे। इस प्रकार इस यात्रा में भगवान ने महिला मंगल की, महिलाओं का परम कल्याण किया, अहिल्या का उद्धार किया। वहीं आश्रम में विश्वामित्र जी के साथ भगवान रुक गए। तब तक श्री जनक जी को सूचना मिल गई, श्री विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनिमंडली के साथ आए हैं। ये समाचार सुनकर के श्री जनक जी महाराज अपने परिकरों को लेकर के मिलने के लिए आ गए। महाराज विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए, समाचार मिथिला पति पाए, संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर पर गुरु ज्ञात, संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर पर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय पै मुझे डराओ यही बात, चले मिलन मुनि नाय पै मुझे
सुजित राहु यही बाते। तीन प्रणाम चरण धरि माथा, तीन प्रणाम चरण धरि माथा, तीन आशीष मुदित मुनि नाथा, तीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र कंद सब सादर बंदे, विप्र कंद सब सादर बंदे, ज्ञान भाव पर राहु आनंदे, ज्ञान भाव पर राहु आनंदे। कुशल प्रेष्ट करि पारि कुशल प्रेष्ट करि पारि पेशवा मित्र ने परि पेशवा मित्र ने परि जनक जी महाराज अपने परिजनों के सहित आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी ने जनक जी का कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न करी बारही बारा। जनक जी ने विश्वामित्र जी का कुशल नहीं पूछा, विश्वामित्र जी ने जनक जी का कुशल पूछा। कुशल प्रश्न करी बारही बारा। क्यों? बोले यही मर्यादा है, संत ज्ञानी पुरुष महापुरुष जो है उनका कुशल क्षेम हमको आपको नहीं पूछना चाहिए, ये मर्यादा के विपरीत माना जाता है। वो हमारा कुशल क्षेम पूछे कि तुम ठीक हो। अब कोई शिष्य आवे और अपने गुरुजी के चरणों में बैठे और कहे गुरुजी आप ठीक हो, कितनी अटपटी बात है। गुरुजी तो ठीक ही हैं, उनकी कृपा से तुम ठीक हो। शिष्य का धर्म नहीं है कि ये गुरुजी से पूछे कि आप ठीक हो, सब बढ़िया है, स्वास्थ्य तो ठीक है आपका। ये कुशल क्षेम पूछना बड़ों का धर्म है, छोटे ये नहीं पूछ सकते। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन है, सर्कादिक जब जनक जी के यहां आए तो उन्होंने यही कहा, ओ पृथु जी के यहां, तो कहते हैं भवत सुकुशल प्रश्न आत्मा रामस्य नेष्यते। आप जैसे आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम जो महापुरुष हैं उनसे कुशल प्रश्न पूछना ये मर्यादा के विपरीत है। विश्वामित्र जी ने पूछा राजन कुशल से हो? सब जगह आप देखो, राम जी जब पहुंचे सबरी के यहां तो वहां भी सबरी ने भगवान का कुशल नहीं पूछा, भगवान ने ही सबरी का कुशल पूछा। तुम्हारी तपस्या ठीक चल रही, भजन ठीक से हो रहा है, कुशल क्षेम पूछा। तो अपने से बड़ों का कुशल क्षेम पूछना ये मर्यादा नहीं। विश्वामित्र जी ने पूछा राजन आप कुशल से हो, सब तो ठीक है। और ये वार्ता हो रही थी, कुशल क्षेम की चर्चा हो रही थी, उस समय भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों भाई वहीं बगल के बगीचे में घूमने गए थे। बगीचे की सुंदरता को देख रहे थे, दोनों भाई टहल रहे थे। जब जनक जी महाराज अपने परिजनों को लेकर के आए, भीड़ आई तो कुछ आहट मिली राम जी को और लक्ष्मण जी को कि कुछ लोग गुरुदेव से मिलने आए हैं, हो सकता है वहाँ हमारी कोई आवश्यकता हो, गुरु जी हमारा स्मरण करें, इसलिए चलना चाहिए। तुरंत दोनों भाई वहाँ से चल करके आते हैं। ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, ते अवसर आए तो भाई, ते
उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भाई आए। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण के आते ही जितने लोग थे सब उठ करके खड़े हो गए। भगवान के दिव्य तेज सौंदर्य और प्रकाश से अभिभूत होकर नचाह करके भी लोग उठ करके खड़े हो गए उनके सम्मान। और फिर विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को और कुमार लक्ष्मण को अपने बगल बैठाया। जब विश्वामित्र जी ने इनको अपने अगल बगल बैठाया तो जो लोग वहां पर थे, जनक जी के परिजन पुरजन, उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बालक और विश्वामित्र जी इनको अपने बगल बैठा रहे हैं, और ऐसे तेजस्वी बालक। अब तो सब बातें लोग भूल गए और सब लोग अपलक नेत्रों से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखने लगे। और कि कौन कहे, श्री जनक जी महाराज भी अपलक नेत्रों से भगवान श्री राम को देखने लगे और देखते देखते बोल पड़े। जनक जी ने कहा, गुरुदेव ये बालक कौन है? ये मुनिकुल तिलक हैं कि नृपकुल बालक है? ये मुनि कुमार हैं कि क्षत्रिय कुमार हैं? क्यों? बोले धनुष बाण लिए हुए हैं इसलिए लग रहा है क्षत्रिय कुमार है, और मुनि मंडली के साथ आए हैं इसलिए लग रहा है मुनि कुमार है। और इन्हें देख करके मेरे हृदय में अनुराग उत्पन्न हो रहा है। जनक जी कहते हैं, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल बालक, ब्रह्म निगम नेति सही गावा, ब्रह्म निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि की सोइयावा, उभय भेष धरि की सोइयावा, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होते जिमि चंद्र चकोरा, थकित होते जिमि चंद्र चकोरा, कहते हैं ये सुंदर बालक कौन है? वेद जिस ब्रह्म का वर्णन करता है, नेति नेति कह करके वेद जिस ब्रह्म तत्व का वर्णन करता है, क्या वो ब्रह्म तत्व ही दो रूपों में आ गया? क्योंकि इनको देख करके मेरा अनुराग बढ़ रहा है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन। इनको देख करके मेरा अनुराग इनकी ओर मेरे मन को खींच रहा है। प्रश्न हुआ कि अगर ब्रह्म ही हैं ये, और जनक जी तो ब्रह्मज्ञानी हैं, फिर उनका वो ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म सुख और राम जी के दर्शन का सुख जब एक ही वस्तु है, तो फिर जनक जी ऐसा क्यों कहते हैं कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन। तो संतों ने कहा, ब्रह्म सुख भी दो प्रकार का होता है, निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ ब्रह्म जो है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म जो है, उस ब्रह्म की अनुभूति में जो आनंद है वो अलग है, वो सुख अलग है। और वही ब्रह्म भक्तों के लिए जब सगुण साकार होकर के सुंदर मनोहर रूप में प्रकट होता है, तब उस ब्रह्म के दर्शन का सुख अलग होता है। दोनों सुख में अंतर है। इसको श्रुति कहती है,
कि जुवा सुवासा परिवीत आगात सौ अश्रेयान भवति जायमान। वह ब्रह्म जब जायमान होता है, जन्म ले लेता है, कैधा बोले सुंदर युवान, सुंदर स्वरूप श्रृंगार से युक्त, जुवा सुवासा परिवीत आगात सौ अश्रेयान भवति जायमान, फिर वो अत्यंत श्रेयवान परम प्रेमास्पद होता है। इसलिए उसमें जो सुख है वो अमूर्त ब्रह्म में नहीं। इसलिए हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, मूर्तम ब्रह्म ततोपि यत् प्रियतरम रूपम यदद्यद्भुतम। मूर्तम ब्रह्म, अमूर्त ब्रह्म की अपेक्षा मूर्त ब्रह्म में सुख आनंद विलक्षण होता है। जनक जी कहते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये कौन है? ये ब्रह्म परमात्मा ही तो नहीं दो रूपों में आ गए? और ज्यों ही जनक जी ने कहा कि ब्रह्म परमात्मा ही दो रूपों में तो नहीं आ गए, तो विश्वामित्र जी कहते हैं, जनक कहे मुनि भी हसी कहूं नृपनीका, कहे मुनि भी हसी कहूं नृपनीका, भजन तुम्हारे न हो ही अलीका, भजन तुम्हारे न हो ही अलीका, भजन तुम्हारे न हो ही अलीका, भजन तुम्हारे न हो अलीका। कहे मुनि भी हसी कहो नृपनीका, कहे मुनि भी हसी कहो कहे। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन वचन तुम्हार न हो ही अलीका। राजन तुम्हारी वाणी अलीक नहीं हो सकती, लीक से हटकर सिद्धांत से हटकर तुम्हारी वाणी नहीं बोल सकती। तुम जो बोल रहे हो वही सत्य है, ये ब्रह्म है। विश्वामित्र जी ने कुछ गलत नहीं कहा और जनक जी ने भी गलत नहीं कहा, लेकिन राम जी ने सोचा ये तो गड़बड़ हो रहा है। बोले क्या गड़बड़ हो रहा है? बोले मेरी पोल पट्टी गुरु जी खोल देंगे, बता देंगे कि मैं ब्रह्म हूं परमात्मा हूं। बोले बता देंगे तो आपत्ति क्या है, जो आप हो वो हो। तो भगवान सोचने लगे ठाकुर जी कि अगर विश्वामित्र जी कह देंगे मैं ब्रह्म हूं परमात्मा हूं, और जनक जी की सभा में तो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी रोज आते हैं, ये प्रवचन में सुना देंगे, फिर तो महाराज सारी दुनिया में पता चल जाएगा कि मैं ब्रह्म और परमात्मा हूं। बोले तो आपत्ति क्या है? बोले बहुत बड़ी आपत्ति है, अगर रावण वध के पहले सारी दुनिया को पता चल गया कि मैं ब्रह्म और परमात्मा हूं, और ये बात कहीं रावण को भी पता चल गई, तो जब रावण के वध का प्रसंग आएगा तो रावण मेरे सामने छाती तान करके खड़ा हो जाएगा, राम तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले तुम ब्रह्म हो, मुझे तो कोई मनुष्य ही मार सकता है। बानर मनुज जाति दुई मारे, मनुष्य को छोड़कर और बंदर को छोड़कर के मुझे कोई मार नहीं सकता, और तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो ब्रह्म हो, अतिमानव हो, क्योंकि ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया। ब्रह्मा के दरबार में याचिका दायर कर देगा रावण, बोले सुनवाई करो महाराज, आपने ही कानून बनाया था, मुझे मनुष्य नहीं देवता नहीं मार सकते, मुझे कोई परमात्मा मुझे नहीं मार सकते, मुझे कोई मार सकता तो मनुष्य मार सकता, और ये मनुष्य है नहीं। फिर तो जिस लिए भगवान का अवतार हुआ वो कार्य बाधित होगा, इसलिए भगवान श्री राम नहीं चाहते कि दुनिया जाने कि मैं परमात्मा। इसलिए जब जब प्रसंग आया तो राम जी ने अपने ईश्वरत्व को, अपने ब्रह्मत्व को गोपित किया है, छिपाया है। कृष्ण लीला में और भगवान श्री राम की लीला में यही अंतर है। भगवान श्री राम अपने ईश्वरत्व को छिपाते हैं और कृष्ण भगवान बोले वो बताते हैं। राम जी से कोई पूछता है आप भगवान हो, अरे और की तो बात छोड़ दो, ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा ने कहा, जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम, ये सारा जगत आपका शरीर है, आप सब शरीरों की आत्मा हैं, और शरीर की जो आत्मा होती है उसको कहते हैं शारीर, शरीरे तिष्ठति इति शारीरः,
और शारीरम परमात्मानम कायति गायति इति शारीरकम। इसीलिए वेदांत को शारीरक शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि जीव और माया ये दोनों परमात्मा के शरीर हैं। हमारी आपकी जो आत्मा है और ये माया की जो जड़ वस्तुएं हैं, ये दोनों तत्व तो उस परमात्मा के शरीर हैं, और परमात्मा इन शरीरों में अंतर्यामी रूप से रहने वाला शारीर है। उपनिषद यही कहती है, उपनिषद में कहा कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति, जो परमात्मा हर आत्मा के अंदर बैठकर आत्मा का नियमन करता है। यो अंतरतो आत्मानं यमयति, यम आत्मान वेद यस्य आत्मा शरीर, ये आत्मा उस परमात्मा का शरीर है। और इसी प्रकार पृथ्वी के विषय में, जल के विषय में, संपूर्ण सृष्टि के विषय में उपनिषद में कहा कि ये सब कुछ परमात्मा का शरीर है। इसलिए ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हुए कहते हैं जगत सर्वम शरीरम ते, वाल्मीकि रामायण, जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। आप परमात्मा हो, आप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हो, ईश्वर हो। ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी स्तुति की, तो जब स्तुति ब्रह्मा जी की पूरी हो गई तो भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा, हे पितामह, आप जो कह रहे हो सो तो आप जानो, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा आप कौन हो आप ही बता दो। तब भगवान ने कहा आत्मानम मानुषम मन्ने, मैं तो अपने को मनुष्य मानता, आत्मानम मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजम, मैं अपने को मनुष्य मानता हूं और मेरा नाम राम है और मैं दशरथ जी का बेटा हूं, बस इतना ही मैं जानता। ये नहीं कहा राम जी ने कि मैं ब्रह्म हूं परमात्मा। और भगवान कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण तो महाभारत के युद्ध में हजारों हजारों वीरों के बीच में खड़े होकर के उद्घोष करते हैं, अर्जुन सुन लो, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे परे कोई परमात्मा नहीं है, सबसे बड़ा परमात्मा मैं ही, माम एकम शरणम ब्रज, मुझे शरण में आ जाओ, मन्मनाभो मद्भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। तो भगवान श्री कृष्ण अपने ईश्वरत्व का प्रतिपादन करते और भगवान श्री राम अपने ईश्वरत्व का गोपन करते। इस रहस्य को न जानने के कारण अर्वाचीन विद्वान लोग वाल्मीकि रामायण जब पढ़ते हैं तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में भगवान को भगवान नहीं कहा। वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष महापुरुष ही कहा गया है, भगवान नहीं कहा गया। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, वाल्मीकि रामायण में भी भगवान के विषय में राम जी के ईश्वरत्व का प्रतिपादन हुआ है, लेकिन गोपनीय ढंग से हुआ है। जब प्रसंग आता है तो महर्षि वाल्मीकि संकेत करते हैं, और प्रसंग आएगा तो मैं वो संकेत आपको स्पष्ट करूँगा जहाँ जहाँ संकेत किया है। यहां पर भगवान जब सुनने लगे कि विश्वामित्र जी तो कह रहे हैं कि वचन तुम्हार न हो या लिखा, तो अब गुरु जी को मैं कैसे रोकूं कि आप मत बताओ, मेरी पोल पट्टी मत खोलो। भरी सभा में किसी को रोकना टोकना भी एक मर्यादा के विपरीत कार्य है। तब राम जी ने क्या किया, बोले राम जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे सुनकर। और भगवान का हंसना जो है ना, यही माया है। हासो जनोन्माद करी च माया, वेद व्यास जी कहते भगवान की जो हंसी है यही तो माया है। और भगवान की माया करती क्या है, बोले अघटित घटना पटी ऐसी है, कुछ भी कर सकती है, इसके लिए असंभव कुछ नहीं। भगवान का मुस्कुराना, भगवान का हंसना ही तो माया है। हासो जनोन्माद करी च माया, हाया माया हास बाहु दिगपाला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की हंसी ही माया है और भगवान की भुजाएं ही दिगपाल है। तो भगवान ने सोचा आप गुरु जी को ऐसे टोकें तो ठीक नहीं, अब मुस्कुरा करके मैं अपनी माया के द्वारा इनके वक्तव्य को बदल दूं। और भगवान ने ऐसी माया फेरी, विश्वामित्र जी की वाणी को सुन करके भगवान मुस्कुराने लगे। ये प्रिय सब जहाँ लगी प्राणी, ये प्रिय सब जहाँ लगी प्राणी,
मन मुस्काही राम सुनी बानी, मन मुस्काही राम सुनी बानी, ये प्रिय सब जहान की प्राणी, ये प्रिय सब जहान की प्राणी, ये प्रिय सब जहान की प्राणी। भगवान मुस्कुराने लगे, मन मुस्कान ही राम सुन बानी। विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर के राम जी मुस्कुराए, और ज्यों ही राम जी मुस्कुराए राम जी की माया ने अपना काम कर दिया। क्या काम हुआ? बोले विश्वामित्र जी का स्टेटमेंट अगले ही क्षण बदल गया। अभी तक कह रहे थे कि जनक जो तुम कह रहे हो वही ठीक है, लेकिन अगली पंक्ति में विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, रघुकुल मही दशरथ के जाए, रघुकुल मही दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी का स्टेटमेंट बदल गया। विश्वामित्र जी ने कहा रघुकुल मनी दशरथ के जाए, अभी तक तो विश्वामित्र जी कहते थे अजाय मानो बहुधा विजायते, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, बोले रघुकुल मनी दशरथ के जाए। ये तो दशरथ जी के जाए हैं, दशरथ जी ने इनको जन्माया है, इनको पैदा किया है, ये उनके बेटे हैं। और मम हित लागी नरेश पठाए, और मेरे काम के लिए इनको भेजा है, ये ईश नहीं है अनीश है। क्यों? बोले ये तो दूसरे के शासन में रहते हैं, इनके पिता ने इनको आज्ञा दिया है तो मेरे साथ आए हैं और मेरा काम कर रहे हैं। अब तो जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी कहते हैं इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ, हे मुनिवर आपका मंगल हो, भद्रम ते अपने गुरु और भगवान का मंगल मनाना ये शिष्य का धर्म है। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान का भी मंगल मनाया जाता है और गुरु का आचार्य का भी मंगल मनाया जाता है। मंगलम यति राजाय श्री भाष्यामृतदायिने सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम। तो जनक जी महाराज कहते हैं हे मुनिवर भद्रम ते आपका मंगल हो। क्यों मंगल हो? क्योंकि आपने ऐसे मंगल भवन अमंगल हारी कुमारों का मुझे दर्शन करा दिया। इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ गजतुल्य गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ, गज के समान जिनकी चाल है, गयंद गति है, ऐसे वृषभोपमौ इन दोनों कुमारों का आपने दर्शन कराया। अब एक बात जनक जी बड़ी मधुर बात पूछते हैं। जनक जी कहते हैं गुरुदेव आप इन दोनों कुमारों को लेकर के आए हैं अयोध्या से, तो रथ पे बैठ के आए हैं कि हाथी पे बैठ के आए हैं कि किसी सवारी पे बैठ के आए? तो विश्वामित्र जी ने कहा हम तो साधु महात्मा, हमारे पास रथ गाड़ी घोड़ा कहाँ, ये तो राजाओं के पास होता, हम तो पैदल विचरण करने वाले महात्मा लोग। तो जनक जी ने कहा इनको भी आप पैदल लेकर के आए हो? जनक जी ने कहा हाँ ये भी पैदल, ओ विश्वामित्र जी ने कहा हाँ ये भी पैदल आए। भगवान की कोमलता को देखकर, भगवान की सुकुमारता को देखकर जनक जी के हृदय में वेदना होने लगी और जनक जी बोल पड़े कद्भ्या कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ, कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ, ये कैसे पैदल आए होंगे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुनि, ये इतनी दूर तक पैदल चलकर के आए मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी सुकुमारता इनकी कोमलता यह व्यक्त कर रही है कि यह पैदल चलने के योग्य नहीं। भगवान कितने सुकुमार हैं, भगवान के चरणारविंद कितने सुकुमार हैं, उस सुकुमारता का चिंतन किया हमारे आचार्यों ने कि भगवान के चरणों का संवाहन लक्ष्मी जी करती हैं अपने करकमल से।
तो लक्ष्मी जी से शुरुआत की कि लक्ष्मी जी कितनी कोमल है पहले इस पे विचार करो। तो श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब भगवती महालक्ष्मी वैकुंठ में चलती हैं तो वैकुंठ के पार्षद भगवती महालक्ष्मी के लिए मखमल के पावड़े बिछाते और उस पावड़े के ऊपर कमल की पराग बिछाई जाती है। कमल की पराग बड़ी कोमल होती है। कमल के पुष्प को लेकर के ऐसे ऐसे झाड़ो तो उसमें से जो पाउडर निकलता है वो कमल का पराग। कमल की वो पराग जब उस पावड़े पर बिछाई जाती है तब भगवती महालक्ष्मी अपने चरण का विन्यास करती है, लेकिन पूरा चरण नहीं रख पाती। क्यों? बोले वो पराग भी श्री जी के चरणों में चुभती है। पादारुंतुदमेव पंकज रजश्चेटी भृशालोकितैः ही। क्या आचार्यों का चिंतन है। और उनकी इस लीला को देखकर वैकुंठ की जो देवियां हैं, चेटियां, चेटियां माने दासियां, वो सावधान रहती हैं कि कहीं कोई इशारा इनका हो, कोई संकेत हो तो कहीं मुझे समझने में विलंब न हो, इसलिए अपलक नेत्रों से जानकी वो श्री जी की ओर देखती रहती। और बार बार वो दासियां श्री जी की ओर देखती रहती हैं तो उन दासियों के आंख के अंदर जो ऊष्मा है उस ऊष्मा से श्री जी का मुखमंडल कुम्हला जाता है। चेटी भृशालोकितैः ही। उन दासियों के बार बार अवलोकन से भगवती का मुखारविंद कुम्हला जाता है। इतनी कोमल श्री जी हैं। पादारुंतुदमेव पंकज रजश्चेटी भृशालोकितैः। वैकुंठ के पार्षद तो हाहाकार करने लगते, महाराज लक्ष्मी जी का निवास कहाँ है श्री जी का। हमारे आचार्य कहते हैं श्री जी भगवान के हृदय में रहती हैं। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी। भगवान के वक्षस्थल में रहकर भगवान के शांति का संवर्धन करती रहती। हाँ, नहीं तो भगवान डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है ठाकुर जी के ऊपर, अनंत अनंत ब्रह्मांड के संचालन की जिम्मेदारी। तो मन कैसे शांत रहे, तो हृदय में रहकर लक्ष्मी जी भगवान को शांति देती रहती। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांत संवर्धिनी। और वैकुंठ में जब भगवान को लेकर पालकी में बैठाकर वैकुंठ के पार्षद भगवान को लेकर के चलते हैं तो भगवान के गले की वनमाला जो है वो जब हल्लोरित होती है और कभी कभी ठोकर खाती है छाती पर तो वैकुंठ के पार्षद दोनों हाथ उठा करके क्रंदन करने लगते हैं। हा, क्यों? बोले हृदय में तो लक्ष्मी बैठी है, कहीं इस कमल की ठोकर से भगवती श्री को पीड़ा न हो जाए। दोलाते बनमालया हरिभुजम हा कष्ट इत्यास्पदम। ऐसी कोमलांगी भगवती श्री जी। तो जिन श्री जी के चरणारविंद इतने कोमल, उन श्री जी का करारविंद कितना कोमल होगा। और अपने उस कोमल करारविंद से भगवान के चरण का संवाहन करते समय श्री जी को डर लगता है कि कहीं मेरे कर की कठोरता के कारण प्रभु के चरणों में पीड़ा न हो जाए, इसलिए अपने कर कमल की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करते। आप देखते हैं दृश्य में, चित्रपट में, मूर्ति में कि भगवान नारायण के चरणों को लक्ष्मी दबा रही, लेकिन वो अपने हाथों से पकड़ करके नहीं दबाती, केवल अपने हाथों का ऐसे ऐसे इशारा करती, कर कमल की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करती हैं, क्योंकि उनको भय लगता है प्रभु के कोमल चरणों में कहीं पीड़ा न हो जाए। इतने कोमल चरणारविंद भगवान के। इस कोमलता का चिंतन किया जनक जी ने और जनक जी सोचने लगे कथम पदभ्याम यह प्राप्त, ऐसे कोमल चरणों से नंगे पांव ये चलकर इतनी दूर आए कैसे। कथम पदभ्याम यह प्राप्त, और अगर इन्होंने ऐसा श्रम किया है, इतना श्रम करके ये आए हैं, दुख सह करके आए हैं, तो किमर्थम, किस लिए आए हैं, कोई प्रयोजन होगा। बिना प्रयोजन के कोई इतना कष्ट तो नहीं उठा सकता। और प्रयोजन में भी कोई वस्तुगत प्रयोजन नहीं होगा, अपितु किसी के लिए कोई इतना दुख सह सकता है। किसके लिए ये इतनी दूर चल करके आए। जनक जी का एक ये जनक जी की व्यंजना है, किमर्थम कस्य वामुनि,
कश्यपा मुनि किसके लिए इतनी दूर चल करके ये आए हैं? मन में ये भाव आया, कहीं मेरी बेटी जानकी के लिए तो नहीं आए, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं और मेरी जानकी के योग्य हैं, कहीं विधाता ने ऐसा संयोग तो नहीं रचा है। एक बार मन में आया, फिर भगवान की सुकुमारता देखकर जनक जी के मन में यह भाव आया कि मेरी प्रतिज्ञा है, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही जानकी को प्राप्त कर पाएगा। ये इतने कोमल हैं, इनसे धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़े? फिर जनक जी के मन में तर्क आया, इतने कोमल होकर के भी जब ये इतनी दूर चल करके आ सकते हैं तो संभव है इनके द्वारा धनुष भी टूट सकता है। इस प्रकार की अनेक भावनाएं श्री जनक जी के हृदय में समुद्भूत होने लगी और परम आनंद हुआ। और फिर बगल में शतानंद जी खड़े थे, जनक जी के पुरोहित। शतानंद जी ने जब सुना कि ये दशरथ नंदन राम हैं, विश्वामित्र जी ने कहा कि कोसलेश दशरथ के जाए, ये दशरथ जी के पुत्र हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। तो शतानंद जी ने मन में सोचा, मेरी माँ का उद्धार तो इन्हीं के द्वारा होना था, अहिल्या का, क्योंकि पिताजी ने कहा था रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदापूता भविष्यति। तो शतानंद जी जो जनक जी के पुरोहित हैं वो बीच में बोल पड़े। उन्होंने कहा, गुरुदेव इन्हीं के द्वारा तो मेरी माँ का कल्याण होना था, क्या आपने इनको मेरी माँ से मिलाया? अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी। शतानंद जी कहते हैं कि मेरी माँ दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता, बहुत दिनों से जो तप कर रही हैं, दुख सहन कर रही हैं, ऐसी मेरी माँ अहिल्या को आपने इनका दर्शन कराया कि नहीं कराया? विश्वामित्र जी ने सारी बात सुनाई, बोले आपकी माँ अहिल्या का उद्धार हुआ, वो आपके पिता के साथ पतिलोक चली गई। ये सब सुनकर शतानंद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और शतानंद जी सोचने लगे, अब मैं किसकी प्रशंसा करूं? इन्होंने मेरी माँ का उद्धार कराया और इन्होंने मेरी माँ का उद्धार किया, मैं विश्वामित्र जी की प्रशंसा करूं कि राम जी की करूं? अगर विश्वामित्र जी की प्रशंसा करूं कि आपने कृपा की और इनको लेकर के आए, मेरी माता का कल्याण कराया, तो कहीं राम जी को मन में दुख न हो जाए कि किया तो हमने, हमारा कोई नाम नहीं। और फिर शतानंद जी ने सोचा कि अगर मैं राम जी की प्रशंसा करूं तो कहीं विश्वामित्र जी के मन में ये न हो जाए कि लेकर के आने वाले तो हम थे, हमारी कोई चर्चा ही नहीं। तब शतानंद जी ने विचार किया कि गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा निहित होती है और विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन अगर हम करेंगे तो भगवान श्री राम को भी प्रसन्नता हो। गुरु के वैभव में ही शिष्य का वैभव होता है, गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा निहित होती है। अब तो शतानंद जी महाराज ने विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन करना शुरू किया। शतानंद जी ने राम जी से कहा, राम ये तुम्हारे गुरुदेव जो विश्वामित्र हैं ये महान, गुरु कथा सुनाई जा, गुरु की भी कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा तो सुननी ही चाहिए, गुरु की भी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यथा देवे तथा गुरु, जैसी श्रद्धा भगवान में हो वैसी ही श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए। तस्यैते कथिता हर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। और यहां तक लिखा है, जैसे भगवान के नाम का जप होता है उसी तरह गुरु के नाम का भी जप होता है, लेकिन अंतर मन में बोल करके नहीं। गुरोर नाम सदा जपेत, ये वाक्य है शास्त्र का। शतानंद जी महाराज गुरु जी की कथा सुनाने लगे और भगवान श्री राम बड़े प्रेम से गुरु जी की कथा सुन रहे, पूरी कथा सुनी, आद्योपांत कई सर्ग में शतानंद जी ने विश्वामित्र जी का ही चरित्र सुनाया है यहां पर, कि ये पहले राजा थे और फिर आपके कुल गुरु वशिष्ठ जी के यहां पहुंचे, उनकी कामधेनु नंदिनी को प्राप्त करने के लिए आपके गुरु जी से युद्ध किया,
उनके पुत्रों को मार डाला, फिर तपस्या करके इन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, फिर इनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका आई। 10 वर्ष तक मेनका अप्सरा इनके आश्रम में रही और वहां शकुंतला नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। राजा त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए हजारों वर्ष की तपस्या को दांव पर लगा दिया। सब कुछ सुनाया सतानंद जी, और राम जी ने बड़ी श्रद्धा से सुना गुरु जी के चरित्र। कहीं भी राम जी के मन में अपने गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति कोई दुर्भाव नहीं पैदा हुआ। शिष्य का धर्म देखो, आज का कोई शिष्य हो और उसके गुरु जी का वृत्तांत तो सुनाओ कि तुम्हारे गुरु जी तो पहले ऐसे थे, तुम्हारे गुरु जी ने इतनी हत्या की थी, तुम्हारे गुरु जी ने ये कांड किया था, आज तपस्वी हैं लेकिन पहले ऐसे थे, उसी क्षण व्यक्ति की श्रद्धा डिग जाएगी। लेकिन गुरु जी के सारे चरित्र को सुनने के बाद भी गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा बनी रही राम जी, और श्रद्धा दृढ़ हो गई विश्वामित्र जी के चरण। और एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, आगे प्रसंग आएगा शायद वहां तक मैं पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं, कि जब सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभो, बाली को वही मार पाएगा जो इन 7 तालों को एक बाण से काट देगा, एक बाण मारो और 7ों ताल के वृक्ष कट करके गिर जाएं। और विशेषता क्या थी, बोले वो 7ों ताल के वृक्ष जो थे एक लाइन में नहीं थे, सीधे में नहीं थे कि एक यहां एक यहां एक यहां एक मारो तो खटखट सब कटते चले जाएं, ऐसा नहीं था, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां ऐसे ऐसे थे, सर्पाकृति थी। उसकी भी पुराणों में कथा है कि बाली एक ताल का फल लेकर के आया था, 7 ताल के फल लेकर के आए थे खाने के लिए, और 7ों ताल के फल को बाली रखा था, एक विशाल सर्प आया और वो सर्प उसी फल के ऊपर बैठ गया। बाली को बड़ा क्रोध आया, मैंने अपने खाने के लिए इस फल को संचित किया था और तुम आकर के इस पर बैठकर इसको तुमने अशुद्ध कर दिया, अब ये मेरे खाने लायक नहीं रहा, लेकिन जाओ अब मैं शाप देता हूं, ये 7ों ताल के फल अंकुरित होकर तुम्हारे शरीर का भेदन करते हुए वृक्ष का रूप धारण करेंगे। 7ों ताल के फल उस सर्प के अंग को छेद कर उसी समय प्रकट हो गए वृक्ष के रूप में, तो जैसे सर्प लेटा था उसी प्रकार एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां 7 ताल के वृक्ष प्रकट हो। तो सर्प ने भी कहा मैं तो सर्प हूं, हमारी तो यही गति है, और मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारे खाने के लिए रखे हैं क्या है, लेकिन तुमने हमें शाप दिया है तो मैं भी शाप देता हूं, इन 7ों तालों का जो बेधन करेगा वही तुम्हारा प्राणहंता होगा। उस सर्प ने भी शाप दे दिया। वो 7ों ताल के वृक्ष ऐसे क्रम में थे, अब कोई कितना भी बड़ा वीर हो बाण मारे तो बाण तो सीधे जाएगा, एक बार इधर घूमे एक बार इधर घूमे एक बार उधर घूमे ऐसा तो संभव नहीं, लेकिन राम जी का बाण तो अद्भुत। सुग्रीव ने कहा प्रभो एक बाण से आप इन 7ों तालों को अगर काट दें तब मुझे विश्वास होगा कि आप बाली को मार देंगे। राम जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं करता हूं। ठाकुर जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अनुसंधान किया, क्या कहा, राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा कि भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, विश्वामित्र जी के चरणों में अगर मेरी भक्ति हो, वशिष्ठ जी के चरणों में हो ऐसा नहीं कहा, वशिष्ठ जी के चरणों में भी राम जी की भक्ति है, और वशिष्ठ जी का नाम लेकर के राम जी बाण मारते तो 7ों ताल का बेधन हो जाता, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा का स्वरूप क्या होना चाहिए ये बताने के लिए मानो राम जी कहते हैं कि भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, कुशिक नंदन विश्वामित्र के चरणों में अगर मेरी भक्ति हो तो मेरा ये बाण भित्वागमिष्यति रसातलमप्यगाधम, ये मेरा बाण 7ों ताल का बेधन करते हुए रसातल में चला जाए, ऐसा कह करके राम जी ने बाण छोड़ा और वो बाण 7ों ताल का बेधन करते हुए रसातल में चला गया और लौट करके आकर के राम जी के तुणीर में बैठ गए। राम जी का बाण बड़ा विचित्र है महाराज,
ये जाता है और काम करके फिर लौट आता है। दुनिया के बड़े बड़े वीरों के बाण जाते हैं तो खत्म और लौट के नहीं आते, लेकिन राम जी का बाण लौट करके फिर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता। एक ही बाण से सातों ताल का वेधन कर दिया और संकल्प किया कि भक्ति यदि विश्वामित्र जी के चरणों में हो मेरी, तो ये बाण सातों तालों का वेधन कर। तो गुरु के प्रति कैसी निष्ठा हो, गुरु के गुण को देखकर उसकी विशेषता को देखकर तो सबकी निष्ठा होती है, लेकिन उसके अंदर कोई कमियां भी दिख जाएं उसके बाद भी हमारी श्रद्धा अगर बनी है तो यही वास्तविक श्रद्धा का स्वरूप है। श्री विश्वामित्र जी महाराज का दिव्य चरित्र श्री सतानंद जी महाराज ने राम जी को सुनाया। अब इसके बाद जनक जी महाराज ने सब सुंदर व्यवस्थाएं दी, रहने ठहरने की सब व्यवस्था हो गई। दूसरे दिन प्रातः काल श्री जनक जी महाराज ने अपने दूतों को भेजा और कहा आदरपूर्वक विश्वामित्र जी को और दोनों कुमारों को उनकी मुनमंडली को लेकर के दरबार में आओ। तत प्रभाते विमले कृतकर्मानराधिप विश्वामित्रम महात्मानम आजुहावस राघवम। विश्वामित्र जी को रघुनंदन श्री राम के सहित आजुहाव बुलाया। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी और मुनिमंडली सब लोग आए। जनक जी ने स्वागत किया। भगवन स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ। हे मुनिवर, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो विश्वामित्र जी ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई। क्यों? बोले जब से जनकपुर में राम जी आए थे विश्वामित्र जी के साथ, तब तक एक बड़ी विचित्र घटना चल रही थी जिसकी चर्चा हमने नहीं की अभी। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने और जनक जी आए। अब जनक जी बैठे हैं और मुनि मंडली बैठी है, लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं और राम जी कहाँ बैठे हैं? बोले विश्वामित्र जी के बगल में, और धीरे से गुरु जी के पेट में ऐसे छू रहे हैं, करें गुरु जी वो धनुष देखने को कब मिलेगा। बोले यही बहाना करके तो लाए थे दिखाने के। तो गुरु जी इशारा करते हैं, रुको रुको दर्शन। फिर थोड़ी देर बीता, तब तक राम जी ने धीरे से कहा गुरु जी वो धनुष देखने को कब मिलेगा। जैसे बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है, ऐसी उत्सुकता राम जी के अंदर थी। अब जब निमंत्रण आया जनक जी के दरबार से, विश्वामित्रम महात्मानम आजुहावस राघवम, तो विश्वामित्र जी ने कहा राम चलो, जनक जी के महल से निमंत्रण आया है, हम लोग जनक जी के दरबार में चलते। अब जब चले तो रास्ते में फिर राम जी धीरे से कहें गुरु जी आज तो मिलेगा ना देखने को धनुष, आज तो धनुष देखने को मिलेगा। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा चलो, तो वहां चलने के बाद चर्चा करेंगे। आए दरबार में बैठे, जैसे ही बैठे महाराज, फिर धीरे से राम जी ने कान में कहा गुरु जी वो धनुष कब देखने को मिलेगा। अब तो विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। विश्वामित्र जी ने ऐसे सोचा कि अब सारी बात बाद में, पहले मेरे राम को धनुष दिखाया जाए। क्यों? बोले जब तक ये धनुष का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक इनके मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए दरबार में उपस्थित होते ही सर्वप्रथम विश्वामित्र जी ने यही कहा जनक जी से कि एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ। ये जितना भाव मैंने कहा है ये कृतकामौ का भाव है। विश्वामित्र जी कहते हैं जब तक ये दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक ये कृतकाम नहीं होंगे, इनकी कामना पूर्ण नहीं होगी, इनको दिखाओ, इसीलिए इतनी दूर आए हैं। कृतकामौ नृपात्मजौ, लेकिन साथ में जनक विश्वामित्र जी को एक मन में संकोच भी है। क्या संकोच? बोले विश्वामित्र जी सोच रहे हैं ये राम लक्ष्मण इतने चंचल हैं, बड़ी उत्सुकता है इनको धनुष देखने की, कहीं जनक जी ने इनको धनुष दिखाया और ये बाल स्वभाव के कारण उठ करके गए, उस धनुष को छूने उन्होंने लगे, कुछ करने लगे इधर उधर, तो कहीं जनक जी को बुरा न लग जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने अपने तरफ से ही कह दिया कि एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः। केवल इनको धनुष दिखा दो, ये देख लेंगे और जैसे आए हैं वैसे चले आएंगे, ये कुछ करेंगे नहीं, ये बालक चंचल नहीं है। अपने तरफ से विश्वामित्र जी के इनको दिखा दो धनुष। तो जनक जी महाराज ने कहा ठीक है, उस धनुष का दर्शन मैं कराऊंगा। जनक जी ने कहा धनुष देखने के पहले धनुष का इतिहास जान ले।
जनक जी ने कहा मेरे पूर्वज महाराज देवरात को देवताओं ने यह धनुष दिया था, उस समय से इस धनुष की पूजा मेरे कुल में होती चली आई है। और इस धनुष से जुड़ी एक घटना और भी है। बोले क्या? जनक जी कहते मेरी एक कन्या है अयोनिजा, यज्ञ के लिए मैं भूमि का शोधन कर रहा था तो हल के अग्रभाग से उस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीते इति विस्तृता। क्षेत्र का शोधन करते समय हल के अग्रभाग से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जो अयोनिजा है, उसका नाम सीता है, मैंने बेटी के समान उसे पाला है। पृथ्वी से वो उत्पन्न हुई है, भूतलात उद्धिता सातु विवर्धत ममात्मजा वीर्य शुल्केति में कन्या। ये मेरी कन्या वीर्य शुल्का है, मेरे कन्या की उत्पत्ति दिव्य है, वो भूमि से प्रकट हुई है, अयोनिजा है। तो मैंने विचार किया जिस कन्या का जन्म प्राकट्य भूमि से हुआ, जो अयोनिजा है, ऐसे पुरुष को, ऐसी कन्या को मैं ऐसे पुरुष को दान करूं जो पुरुष भी इसी प्रकार का दिव्य और विलक्षण हो। लेकिन उस दिव्य विलक्षण पुरुष की पहचान मुझे कैसे होगी? मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि वो पुरुष दिव्य है और विलक्षण है? तो मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे यहां जो धनुष है ये भगवान शंकर का, इस धनुष पर जो डोरी चढ़ा देगा, जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वो मनुष्य नहीं होगा। क्यों? बोले मनुष्य तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। क्वा गतिर ही मनुष्याणाम तोलने पूर्णे पिवा। इस धनुष को उठाना और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना ये मनुष्य के बस की बात नहीं। तो मैंने यही थर्मामीटर रखा, यही फार्मूला बनाया जनक जी ने कि कैसे मैं पहचानूं कि ये पुरुष विलक्षण और दिव्य है जिसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूं। तो जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो साधारण नहीं होगा। ये मैंने एक मानक रखा और जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। लेकिन हे महाराज, मेरी इस प्रतिज्ञा को सुनकर के बड़े बड़े राजा आए लेकिन कोई भी इस धनुष को तिल भर उठा नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, तिल भर भी धनुष को उठा नहीं सके। और अंत में सभी राजाओं ने मिलकर के योजना बनाई कि राजा जनक की नगरी को घेर लो और राजा जनक को समाप्त कर दो और सीता को छुड़ा लो, फिर आपस में हम लोग युद्ध करके निर्णय करेंगे सीता किसको प्राप्त होगी। रोषेण महता विष्टा पीडयन मिथिलाम पुरीम। चारों तरफ से राजाओं ने मेरे नगर को घेर लिया। एक वर्ष तक युद्ध चला, मेरी संपूर्ण सेना समाप्त हो गई। फिर मैंने देवताओं की आराधना की। देवताओं की आराधना से मुझे विलक्षण सेना प्राप्त हुई, जिस सेना के द्वारा उन राजाओं का पराभव हुआ। उसके बाद कोई राजा मेरे नगर की ओर आंख उठा करके नहीं देख सका। लेकिन हे मुनिवर, मेरी कन्या सीता का विवाह अभी तक नहीं हुआ। यद्यस्य धनुषो रामः कुर्याद् आरोपणम् मुनि। अब अपने मन की बात जनक जी कह रहे हैं। जनक जी कहते हैं मुनिवर, अगर ये रघुनंदन राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें तो सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दासरथेरहम, मैं अपनी इस अयोनिजा कन्या सीता का इनको दान कर दूंगा, इन्हीं के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि धनुष पर यह प्रत्यंचा अगर चढ़ा दें तो। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक। जनकस्य वच श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा राजन वो धनुष मेरे राम को दिखाओ, पहले देखें तो राम जी धनुष। तब जनक जी ने अपने दूतों को आदेश दिया, दूत लोग गए धनुष को लाने के लिए। 5000 बड़े बड़े वीर नृणाम शतानि पंचाशत
व्यायतानाम महात्मनाम, 5,000 बड़े बड़े पहलवान, वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े लंबे लंबे महाराज, व्यायतानाम अर्थात खूब मोटे तगड़े मजबूत लंबे, ऐसे 5,000 वीर गए और जाकर के उस धनुष को लेकर के आ रहे, उठा करके नहीं लाए। वो धनुष एक बहुत बड़े बॉक्स में रखा था, पेटी में, और उस पेटी में बड़े बड़े 8 पहिए लगे हुए थे, मंजूसाम अष्टचक्राम, बड़े बड़े 8 पहिए लगे हुए थे। उस मंजूषा को, उस पेटी को खींच करके लाने के लिए 5,000 वीर को जाना पड़ा, उठाना तो दूर की बात, 5,000 वीर किसी प्रकार खींच करके ताम समूहुस्ते कथंचन, कथंचन मैंने किसी प्रकार से लेकर के आए, बड़ी मशक्कत के बाद ला करके धनुष को मध्य में जब रखा तो जनक जी ने एक बार फिर कहा, मुनिवर इस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा सके। नैतत् सुरगणा सर्वे सासुरा नच राक्षसाः, गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः, क्व गतिर्हि मनुष्याणां धनुषस्य प्रपूरणे। जनक जी कहते हैं, मुनिवर इस धनुष को न असुर उठा सकते हैं, न राक्षस उठा सकते हैं, गंधर्व यक्ष भी इस धनुष को नहीं उठा सकते, और स्वर्ग के देवता भी इस धनुष को नहीं उठा सकते। नैतत् सुरगणा सर्वे सासुरा न च राक्षसा। अब क्या सिद्ध हो रहा है, जिस धनुष को मनुष्य नहीं उठा सकते, राक्षस नहीं उठा सकते, देवता नहीं उठा सकते, यक्ष किन्नर गंधर्व भी नहीं उठा सकते, जनक जी कहते हैं क्वा गतिर ही मनुष्याणाम, मनुष्य की क्या गति है, और उस धनुष को किसने उठाया, राम जी ने उठाया। इसका मतलब राम जी मनुष्य नहीं है, भगवान है, ये सिद्ध हो गया। इस तरह से बड़े ही सूक्ष्म ढंग से महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के ईश्वरत्व का प्रतिपादन किया। यहां पर इन 2 श्लोकों के द्वारा भगवान के ईश्वरत्व का प्रतिपादन हो रहा है जनक जी के द्वारा। क्वा गतिर ही मनुष्याणाम धनुषस्य प्रपूरणे, इस धनुष को उठाने की शक्ति मनुष्य में तो हो ही नहीं सकती। और ये सब बात जनक जी कह रहे थे तो विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन बार बार इसको कोई उठा नहीं सकता, उठा नहीं सकता, उठा नहीं सकता, अरे मेरे राम को एक बार दिखाओ तो। जब विश्वामित्र जी ने इस प्रकार कहा, वत्स राम धनुपश्य, विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो यही वो धनुष है, और हो सके तो तुम इसे उठाओ और इस पे प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम जी चल पड़े, पहले तो गुरु जी को प्रणाम किया, और गुरु जी को प्रणाम करके और वहां जो बैठे हुए विप्र ब्राह्मण थे उन सबको प्रणाम किया राम जी ने, और उस धनुष की ओर आगे बढ़े। कैसे बढ़े, जैसे कोई गजराज झूमते हुए चल रहा हो, सहज ही चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी, मत मंजूबर कुंजर गामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, चले सकल जग स्वामी, चले सकल। बड़े ही सहज भाव से राम जी चल पड़े, कोई गर्व नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं कि छाती तान करके और सिर उठा करके ऐसे जा रहे हो, देखो भाई मैं जा रहा हूं धनुष उठाने। बड़े ही सहज भाव से, सहज ही चले सकल जग स्वामी, जैसे गजराज झूमते हुए अपनी मस्ती में चलता है उसी प्रकार भगवान चल पड़े और धनुष के पास पहुंचे।
और भगवान श्री राम ने कहा, इदम धनुर्बरम दिव्यम संस्पृशामी ही पाणिना। इस धनुष श्रेष्ठ को, इस दिव्य धनुष को पहले तो मैं अपने हाथों से छूंगा। संस्पृशामी ही पाणिना, ये नहीं कहा कि मैं इसको उठाऊंगा और तोड़ दूंगा। ये राम जी की शीलता है, उनकी विनम्रता है। राम जी कहते, मैं पहले इस धनुष को छूंगा और अगर मैं छूने में समर्थ हो गया तो यत्नवाश्च भविष्यामी तोलने, तब मैं इसको उठाने का प्रयास करूंगा, उठा लूंगा, ये नहीं कहा। यत्नवाश्च भविष्यामी तोलने, और अगर मैं उठाने में समर्थ हो गया तो पूरणे पिवा, तब इस पे प्रत्यंचा चढ़ाने का भी प्रयास मैं करूंगा। इनकी इस विनम्रता को देखकर सभा में बैठे सभी लोगों ने कहा, बाढ़म, अति सुंदर। बाढ़म इत्यब्रवीत राजा, राजा जनक ने कहा, बहुत सुंदर। भगवान श्री राम पहुंचे, धनुष को देखा और फिर एक बार अपने गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी की ओर देखा और वहीं से देखकर गुरुजी के चरणों में फिर प्रणाम किया। अभी प्रणाम करके गए थे लेकिन वहां जाकर के धनुष को देखा और एक बार गुरुदेव के चरणों में फिर प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन। गुरु जी को प्रणाम निवेदन किया, अति लाघव उठाए धनु लीना। अति लाघव, बड़ी ही सहजता में और शीघ्रता में राम जी ने धनुष को उठा लिया, उठाया। आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः, आरोपयित्वा मौर्वीं, धनुष को उठाया और उसको ऐसे झुकाया और उसकी डोरी बांधी। मौर्वीं, उस डोरी को बांधा। आरोपयित्वा मौर्वीं, और उसके बाद एक हाथ से धनुष को पकड़ा और एक हाथ से डोरी को पकड़ा। पूरयामास तद्धनुः, और खींचना शुरू किया राम जी ने। आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः, तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः। खींचा जोर से धनुष को, ऐसे यहां तक खींचते खींचते इतना खींच दिया कि धनुष का जो हिस्सा था बीच से ही टूट गया। अरे वैसी सुंदर ध्वनि हुई महाराज, धनुष जब टूटा, ये तो कहने में हमको देर लग गई, कहने में देर लग गया, 10 सेकंड लगा होगा कम से कम, लेकिन राम जी को तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ताहू न लगा देख सब ठाणे, ताहू न लगा देख सब ठाणे, तेरी चर राम मत धनु तोरा, भगवान ने धनुष को उठाया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, कब लिया, कब चढ़ाया और कब खींचा, कोई देख नहीं पाया। क्षणार्ध में
धनुष टूट गए। और जब धनुष टूटा तो ऐसी भयंकर ध्वनि हुई महाराज, दशों दिशाएं गुंजायमान हो गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भूमि कंपश्च सुमहान, भूकंप आ गया महाराज, भूमि कंपश्च सुमहान पर्वतस्येव दीर्यतः, मानो पर्वत फट गया हो पट 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 करके, ऐसी ध्वनि प्रकट हुई। कल्पना करो कि कोई विशाल पर्वत हो और उस पर्वत के अंदर विस्फोट हो जाए और पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो कितना भयानक रव प्रकट होगा, ऐसी ध्वनि प्रकट हुई पर्वतस्येव दीर्यतः। और इसका परिणाम क्या हुआ, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। वहां जितने लोग थे सभा के अंदर, सब लोग धड़ाम धड़ाम गिर पड़े, भयंकर ध्वनि हुई, सब डर गए। हुआ क्या, भूकंप आया, क्या हो गया, ब्रह्मांड फट गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया और धड़ाम धड़ाम जो जहां थे वहीं गिर पड़े। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः, ये वाल्मीकि जी की वाणी अतिशयोक्ति नहीं है, यहां तो सब कुछ यथार्थ है। हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम धर्म वीर्येण यथावत संप्रपश्यति। सब लोग गिर गए। प्रश्न हुआ, बोले सब लोग गिर गए, तब तो राम जी भी गिर गए होंगे, लक्ष्मण जी भी गिर गए होंगे, विश्वामित्र जी भी गिर गए होंगे। कहते नहीं, जो नहीं गिरे उनका नाम भी सुन लो, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, सब लोग तो गिर गए। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः वर्जयित्वा मुनिवरम्, विश्वामित्र जी नहीं गिरे, वो खड़े रहे, वर्जयित्वा मुनिवरम् राजानम् तौ च राघवौ। राजा जनक नहीं गिरे और राम लक्ष्मण नहीं गिरे, विश्वामित्र जी और जनक जी महाराज, राम और लक्ष्मण, इन चार को छोड़कर वहां जितने लोग थे सब गिर पड़े। जनक जी के पुरोहित जो सतानंद जी थे वो भी ढुनक गए महाराज। बोले एक और नहीं गिरे, बोले कौन, बोले श्री जानकी जी नहीं गिरी, उनकी जो सखियां उनको संभाल कर रही थी वो तो सब इधर उधर हो गई, डिसबैलेंस हो गई, लेकिन जानकी जी नहीं। क्यों, बोले जानकी जी तो भूमिजा है और भगवान में और जानकी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान नहीं गिरे तो जानकी जी भी नहीं गिरी। क्यों, बोले गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। अब तो महाराज सब जब गिरे तो गिरने के बाद सब उठकर के खड़े हुए, एक दूसरे को देखा, हाथ झाड़ा और सब जय जयकार करने लगे, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह राम जी ने तो धनुष तोड़ दिया, राम जी ने तो धनुष तोड़ दिया, किसी को दुख नहीं, सब प्रसन्न है। और सब लोग एक ही बात कहने लगे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ रे रघुबरने तनुइया तोड़ दिया रे। एक से राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा,
उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। बड़े बड़े राजा आए थे, एक से एक अभिमानी राजा। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे, हमारे रघुनाथ जी ने उनकी मूछ की ऐंठन को मरोड़ दिया। ठाकुर के तो मूछ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मूछ वालों की पूंछ उखाड़ देते हैं ठाकुर। सबकी मूछ को मरोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। किसी ने कहा राम जी केवल तोड़ते हैं और मरोड़ते हैं, धनुष को तोड़ा, मूछ को मरोड़ा, कोई अच्छा भी काम करते हैं क्या? तो मिथिला के भक्तों ने कहा कि ये केवल तोड़ते नहीं, मरोड़ते नहीं, अपितु जोड़ते भी हैं। क्या जोड़ते हैं? बोले राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सियज से नाता जोड़ लिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ लिया रे। सियज से नाता जोड़ लिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता राम। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे। किसी ने कहा, सब लोग आनंदित हैं, जनक जी प्रसन्न हो गए, जानकी प्रसन्न है, मिथिला के लोग प्रसन्न हैं, सबको खुशी है, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। किसी ने कहा एक व्यक्ति तो दुखी होगा। बोले वो कौन होगा? बोले वो बेचारा धनुष जो टूट गया, उसको तो दुख होगा, उसको तोड़ दिया गया। बोले सब सुखी हैं, लेकिन धनुष बेचारा तो टूट गया, उसको दुख होगा। लेकिन वो टूटा हुआ धनुष बोल पड़ा, उसने कहा नहीं नहीं हम भी सुखी हैं, हम भी प्रसन्न हैं। बोले तुमको किस बात की प्रसन्नता है? तो धनुष ने कहा जब तक हम टूटे नहीं थे तब तक हम दूसरों को तोड़ते थे, आज जब हम टूटे हैं तो राम जी को और सीता जी को जोड़ करके टूटे हैं, इसलिए मेरा टूटना भी सार्थक, मैं प्रसन्न हूं। धनुष ने कहा हम भी प्रसन्न हैं। किसी ने कहा देखो सभा में अपनी गंभीरता बनाए रखनी चाहिए, सभा में गांभीर्य होना चाहिए, और आज इतनी सभा में तुम इतने हल्के हो गए, तुमको राम जी ने उठा लिया। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती किसी के अंदर दुर्भाव पैदा करने का प्रयास करते, भले वो ना सोचे लेकिन उसको मजबूर करते। लोगों ने कहा रे तुम भरी सभा में इतने हल्के हो गए, तुमको राम जी ने उठा लिया, और उठाया ही नहीं, तोड़ करके डाल दिया नीचे। धनुष ने कहा मुझे कोई नहीं उठा पाया, अगर मुझे उठाया किसी ने तो परब्रह्म परमात्मा ने उठाया, उनके हाथों से मैं उठाऊं, किसी साधारण के हाथ से नहीं उठा। और जहां तक टूटने की बात है, टूट करके तोड़ करके मुझे डाल दिया, तो अगर मैं टूटा भी हूं तो टूटने के बाद गिरा भी तो राम जी के चरणों में गिरा हूं, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठाकुर जी ने तोड़ करके अपने चरणों में मुझे डाल दिया, मैं भी प्रसन्न हूं। परम आनंद हुआ मिथिला में। श्री जानकी जी वरमाला लेकर के आई, सखियां सुंदर गीत गाती हुई जानकी जी को लेकर के आ रही, रघुनंदन के गले में वरमाला डालनी। सखियां आई, राम जी खड़े हैं,
सखियों ने कहा बरमाला पहनाओ इन्हें। अब किशोरी जी कैसे बरमाला पहनावे भगवान को, किशोरी जी का हाथ पहुंचता ही नहीं वहां तक। क्यों बोले, 6 वर्ष की किशोरी जी थी। राम जी का जब ब्याह हुआ ना तो 6 वर्ष की जानकी जी थी और राम जी 12 वर्ष के, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। अब जानकी जी भगवान के गले में बरमाला कैसे डालें। सखियों ने दुल्हा सरकार से कहा सरकार थोड़े झुक जाओ। झुक जइयो ललन रघुबीर ललनी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर ललनी मोरी छोटी सी, ललनी मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, ललनी मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, ललनी मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, ललनी मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी। तुम हो बड़े बलवीर किशोरी मोरी छोटी सी, हाँ तुम हो बड़े बलवीर किशोरी मोरी छोटी सी, रुक जइयो ललन रघुबीर ललनी मोरी छोटी सी, रुक जइयो ललन रघुबीर ललनी मोरी छोटी सी। सखियों ने कहा झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। तो ठाकुर जी झुकना तो चाहते थे, चलो इनकी बात मान ले झुक जाएं, किशोरी जी गले में माला डाल दो। लेकिन बगल में खड़े भैया लक्ष्मण ने धीरे से कहा भैया मत झुकना, ससुराल में वो भी एक नारी के सामने पुरुषोत्तम होकर रघुवंशी होकर झुक जाए, ये तो मर्यादा नहीं होगी। अब तो राम जी और तन करके खड़े हो गए। देखो लक्ष्मण जी कौन है, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और आचार्य की भूमिका बड़ी गंभीर होती। आचार्य भगवान और जीव के मध्यस्थ होते हैं और जो मध्यस्थ होता है उसकी बात दोनों को मानना पड़ता है। जीव आचार्य की बात मान ले तो जीव का कल्याण हो और भगवान मान लें तो भगवान को भी लाभ हो, उनके बिछड़े हुए जीवात्मा उनको प्राप्त हो जाए। और आचार्य की बात अगर जीव न माने तो जीव का भी कल्याण नहीं होता और भगवान न माने तो भगवान को भी संकट में पड़ना पड़ता है। रामानुज की बात जब जब राम जी ने नहीं मानी तब तब राम जी को भी संकट में पड़ना पड़ा। पूरी रामायण पढ़ लेना, ये सब आचार्यों का चिंतन है। कथाएं तो सबको मालूम है लेकिन उसमें रहस्य क्या है। मारीच आया, जानकी जी ने कहा यह मारीच सोने का मृग है, बड़ा सुंदर है, पालबे योग मंज मृग, ये तो मृग इतना सुंदर है कि इसको अपने आश्रम में मैं पाल लूं, इसको आप जीवित पकड़ कर खिलाओ। राम जी चलने को तैयार हो गए, लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा प्रभु ये सोने का मृग नहीं है, ये मारीच राक्षस है, इसके पीछे जाना ठीक नहीं है। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण पहली बार तो सीता ने मुझसे कुछ कहा है, आज तक सीता ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार उन्होंने कुछ मांगा है और अगर मैं नहीं लाऊंगा तो उनको दुख होगा, इसलिए उनकी बात मानना जरूरी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है मेरी बात मत मानो, दुल्हन की बात मानो, परिणाम क्या होगा। बोले लक्ष्मण की बात भगवान नहीं माने परिणाम क्या हुआ, बोले जाने पर वो मृग भी नहीं मिला और लौट करके आने पर मृगनैनी सीता भी भगवान को प्राप्त नहीं हुई। ये आचार्य का वैभव। लक्ष्मण के कहने पर भगवान नहीं माने, परिणाम गलत। और ये तो भगवान की दशा। और जानकी जी की, बोले जब मारीच ने राम जी की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा, सीता जी ने कहा लक्ष्मण जाओ, आर्य पुत्र के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, वो तुम्हें स्मरण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, जिनके स्मरण से विपत्ति नष्ट हो जाती है
उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहो वो आते ही होंगे। लक्ष्मण जी की बात जानकी जी नहीं मानी और जिद कर लिया नहीं जाओ। अंत में लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी, रामानुज लघु रेख खिंचाई। रामानुज ने एक मर्यादा रेखा बना दी, इस रेखा से बाहर आप मत जाना, इतनी बात तो मेरी मान लेना, मैं जा रहा हूं। लेकिन जानकी जी ने दोनों बातें नहीं मानी। लक्ष्मण जी ने पहली बात जो कही उसको भी नहीं माना, और जो मर्यादा रेखा खींच करके लक्ष्मण जी गए इसके बाहर मत जाना, उसका भी जानकी जी ने उल्लंघन कर दिया और उस रेखा से बाहर चली गई। परिणाम क्या हुआ? बोले सोने का मृग तो नहीं मिला, लेकिन सोने की लंका में जाना पड़ा उनको। और सोने की लंका में भी जानकी जी सो नहीं सकी, उनको नींद नहीं आई। सोने के बिस्तर पर सोने की लंका में कोई सो नहीं सकता, उसे शांति नहीं मिल सकती। आचार्य रामानुज की अवहेलना करने का परिणाम भगवान को भी संकट में पड़ना पड़ा और श्री जानकी जी को भी संकट में पड़ा। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और आचार्य की वाणी में सदा विश्वास रखना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप झुको मत, मर्यादा नहीं है। राम जी ने कहा ठीक लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। राम जी और तन करके खड़े हो गए। अब सखियां क्या करें, जानकी जी कैसे माला डालें? तो सखियों ने गीत गाना शुरू किया। गावई छवि अवलोक सहेली, गावई छवि अवलोक सहेली, सिए जय माल राम उर मेली, सिए जय माल राम उर मेली, गावई छवि अवलोक सहेली, गावई छवि अवलोक सहेली, सखियां गीत गाने लगी। और कैसा गीत? रटा रटाया गीत नहीं। आज की सखियां ब्याह में जाती हैं तो क्या गीत गाती? बोले वही बन्ना बन्नी का गीत सबके ब्याह में गाते फिरो। लेकिन ये मिथिला की सखियां जो हैं ये पंडिता हैं, ये आशु कवियत्री हैं, तुरंत इनकी रचना हो रही है। ये नहीं कि रटा रटाया गीत गा रहे हैं, गोस्वामी जी की पंक्तियां बोल रही हैं। गावहीं छवि अवलोकी, भगवान के स्वरूप को देख करके गा रहे हैं। काजल कैसा है, मुकुट कैसा है, कपड़े कैसे, बना रही हैं गीत, बन रहा और गा रही हैं। गावहीं छवि अवलोकी सहेली। अब भगवान के सौंदर्य का जब वर्णन किया, त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटीयान, महतो महीयान सर्वतो ज्यायान, भगवान के दिव्य सौंदर्य का जब वर्णन किया तो राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं। तब सखियों ने देखा अब एक उपाय करना पड़ेगा। सखियों ने कहा सरकार निस्संदेह रूप से आप परम सुंदर हैं, त्रिभुवन कमनीय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी सुंदरता अद्वितीय है और मैंने आपकी सुंदरता का वर्णन किया तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं, ऐसे ही कहा सखियों ने। ये तो मिथिला की सखियां हैं, भगवान से बहस भी करती हैं। मारे मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपकी सुंदरता का मैंने वर्णन किया, निस्संदेह आप सुंदर हैं, लेकिन आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। और अगर इतना ही आपको घमंड है कि आप बड़े सुंदर हो, आप निश्चित सुंदर हो, लेकिन मेरी जानकी से ज्यादा सुंदर नहीं हुआ, मेरी जानकी आपसे भी ज्यादा सुंदर, और विश्वास नहीं है तो एक बार अपना मुख शीशे में देख लो। गर्व करो रघुनंदन जनी अपने मन माही, हे रघुनंदन आप अपने मन में गर्व मत करो कि आप बड़े सुंदर हो। आपन रूप बिलोको, एक बार अपना रूप तो देखो शीशे में तो पता चल जाएगा। हमारी जानकी जी को देखो और अपना रूप देख लो, अंतर पता चल जाएगा। राम जी ने कहा हम शीशा लेकर के नहीं आए थे, वहां से लाए होते तो देख लेते। बोले कोई बात नहीं, आप शीशा लेकर के नहीं आए हैं तो यहां हम व्यवस्था कर देंगे। बोले कहां शीशा है? मिथिला की सखियों ने कहा यह मिथिला नगरी है, यहां शीशा की भी जरूरत नहीं पड़ती, यहां तो परछाई में अपना मुंह दिखता है। राम जी ने कहा परछाई में मुंह दिखता है?
मिथिला की सखियों ने कहा हाँ। बोले किसकी परछाई में? सखियों ने कहा हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुंह देख लो। सखियों ने कहा कि गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, आपन रूप बिलोको सियजू की परछाई। किशोरी जी की परछाई में अपना रूप देख लो तो पता चल जाएगा, आपका घमंड दूर हो जाएगा। मेरी किशोरी जी की परछाई के बराबर भी आप नहीं हो जा रहा, एक बार उस परछाई में अपना मुंह देखो तो। राम जी ने सोचा हो सकता है, ये मिथिला नगरी है, यहां तो बड़ी बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें, जब यहां विलक्षण धनुष हो सकता है तो यहां ऐसा भी हो सकता है कि परछाई में मुंह दिखता हो। हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता। राम जी ने सोचा हमारे यहां तो शीशे में ही मुंह देखा जाता है, लेकिन हो सकता है मिथिला में कोई ऐसा वैशिष्ट हो कि यहां परछाई में भी मुंह दिखता हो, तो लाओ मैं देख ही लूं परछाई में मुंह कैसे दिखता। और ज्यों ही राम जी उस परछाई में, जानकी जी की परछाई में अपना मुख देखने के लिए झुके, तब तक जानकी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। गावे छवि अब लोक सहेली, गावे छवि अब लोक सहेली, जय जय माल राम पुर मेरी, जय जय माल राम पुर मेरी। पुर अरुप्योम बाजने बाजे, पुर अरुप्योम बाजने बाजे, कल भय मलिन साज सब राजे, कल भय मलिन साज सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहते हैं असीसा, जय 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 कहते हैं असीसा। नाचहि गावहि विभुत बधूपी, नाचहि गावहि विभुत बधूपी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। कह विप्रेद धुन करही, विप्रेद धुन करही, बंदे बिरदावलि उच्चरही, बंदे बिरदावलि उच्चरही। मै पाताल नाग जस व्यापा, मै पाताल नाग जस व्यापा, राम बरी सिय भंग उचापा, राम बरी सिय भंग उचापा। करही आरती पूर नर जानकी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की, परम आनंद हुआ। अब जब वरमाला पड़ गई तो श्री जनक जी महाराज ने कहा, जनक जी महाराज तुरंत आए और हाथ में जल लेकर कन्यादान का संकल्प करने जा रहे थे। हे राम, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अब मैं कन्यादान का संकल्प कर रहा हूं, इस कन्यादान को ग्रहण करो। राम जी ने मना कर दिया। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। राम जी ने कहा नहीं, मैं कन्यादान नहीं लूंगा। क्यों? तो राम जी ने कहा कि जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे और मेरे पिताजी की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। क्या मर्यादा थी? प्रतिज्ञा पूर्ण की, यश प्राप्त किया, कीर्ति प्राप्त की, और सीता इनको प्राप्त होंगी यही तय है, लेकिन इसके बाद भी कुल की मर्यादा, जब तक पिताजी नहीं होंगे और उनकी अनुमति नहीं होगी, तब तक मैं पाणि ग्रहण नहीं करूंगा। ये कथा यहां नहीं है, आगे जब अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचे तो अत्रि मुनि की पत्नी अनसूया ने जानकी जी से पूछा, बेटी तुम अपने विवाह का वृत्तांत सुनाओ, तुमको ये कैसे मिले? माताओं की यही सब कहानी होती है,
एक माता दूसरे से मिले तो यही पूछती, तुम्हारा ब्याह इनसे कैसे हुआ था, ये तुमको कैसे मिले थे। तो माँ अनसुईया ने भी जानकी जी से यही पूछा। तब जानकी जी ने अपने विवाह का सारा वृत्तांत वर्णन किया है। और वहां पर श्री जानकी जी ने कहा माँ अहिल्या से, देवी ये कितनी मर्यादा का पालन करते हैं, धनुष टूट गया, लोगों ने जय जयकार की, मैंने वरमाला डाली, लेकिन मेरे पिता जब कन्यादान करने चले तो इन्होंने मना कर दिया। कहा जब तक मेरे पिता नहीं आएंगे, मेरे परिजन नहीं आएंगे, मेरे गुरुदेव नहीं आएंगे अयोध्या से, तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि अपने परिजनों के और अभिभावकों और श्रेष्ठ जनों के सम्मुख ही ये पवित्र कार्य हो, उनकी जब तक अनुमति नहीं होगी तब तक मैं दान नहीं करूंगा। यही रामचरित्र है। आज राम जी के इस चरित्र को दुनिया में लोग अनुकरण करें तो दुनिया के सारे दुख सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज घर घर में जो समस्या है, बच्चे अपने मन से ब्याह कर रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, बाद में उन बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, कलह होता है, सामाजिक द्वेष होता है, समाज में अपवाद होता है, हमारी सनातन परंपरा लज्जित होती है। अगर हम राम कथा श्रवण करें, इन विषयों को समझें कि देखो सब कुछ होने के बाद भी राम जी ने कहा जब तक मेरे माता पिता नहीं कहेंगे तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। माता पिता की अनुमति के बिना विवाह धर्म नहीं है। और राम कथा में ही किसी व्यक्ति के मुख से मैंने सुना कि किसी प्रश्न का समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियां अपने मन से अगर विवाह करना चाहें तो माता पिता को रोकना नहीं चाहिए, जमाना बदल गया है। जिस राम कथा की ये मर्यादा कि स्वयं राम अपने पिता की आज्ञा के बिना विवाह करने को तैयार नहीं, उन राम की कथा सुनाते हुए राम के सिद्धांत से विपरीत कोई बात कहना ये मर्यादा नहीं। ये रामायण शास्त्र भागवत ये धर्म ग्रंथ, इसका अपार्थ नहीं करना चाहिए, इसका सुंदर अर्थ करना चाहिए। संत जन कहते हैं खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। शास्त्र का वही अर्थ करना चाहिए जिसमें शास्त्र की मर्यादा बची रहे। भगवान श्री राम ने कहा मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा, मेरे पिताजी आएंगे तब मैं कन्यादान ग्रहण करूंगा। फिर तो सखियों ने कहा जानकी जी से कि इनको प्रणाम करो। जानकी जी भगवान के चरणों में जब प्रणाम करने चली तो जानकी जी को डर लगने लगा, कैसे मैं इनको प्रणाम करूं। गौतम तिय गति सुरत कर नहीं परसत पद पाऊं। सीता जी को याद आया अरे इनके चरण में तो बड़ा जादू है। बोले क्या जादू है? बोले इनके चरण का स्पर्श हो जाए तो कोई पत्थर की शिला स्त्री बन जाती है, तो कहीं मैं इनके चरण को छूऊं तो कुछ गड़बड़ न हो जाए। बोले क्या गड़बड़? बोले जब इनके चरण के स्पर्श से कोई शिला स्त्री बन सकती है तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्त्री शिला बन जाए, और मैं तो स्त्री हूं, मैं कहीं अगर शिला बन गई तब तो इनको पाने की जो लालसा है वो तो खत्म हो जाएगी। गौतम तिय गति सुरत कर नहीं परसत पद पान। फिर तो सखियों ने समझाया नहीं प्रणाम करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर तो किशोरी जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। फिर सखियां किशोरी जी को लेकर के अंतःपुर में चली गईं और श्री जनक जी महाराज ने सुंदर पत्रिका लिखी और पत्रिका लिख करके दूतों को दिया और कहा लेकर के अयोध्या जाओ। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांतवाहनाः। जनक जी के द्वारा प्रेषित वे दूत शीघ्रगामी अश्व पर बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। त्रिरात्रमुषिता मार्गे, तीन रात्रि रास्ते में बीती, तीन दिन तीन रात्रि चल करके दूत लोग जनकपुर से अयोध्या पहुंचे और ला करके पत्रिका महाराज दशरथ जी को दी। दशरथ जी ने जब पत्रिका पढ़ा, पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? बोले पुत्रों का समाचार इतने दिन बाद आया है। तब के जमाने में फोन और मोबाइल और मैसेज की व्यवस्था नहीं थी, नहीं तो वीडियो कॉलिंग भी कर लेते।
देख लेते। सूचना भी मिलना कितना कठिन था। जब से राम जी गए आज एक पखवाड़ा बीत गया, कोई संदेश नहीं आया, और आया तो पत्र आया। अब उस पत्र को लेकर दशरथ जी महाराज जब पढ़ने चले तो पुत्र स्नेह के कारण दशरथ जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, आंखें डबडबा गईं, अक्षर का दिखना बंद हो गया, पढ़ें तो कैसे पढ़ें। और फिर दशरथ जी ने सोचा अगर कहीं मेरे आंख के आंसू इस पत्रिका पर गिर पड़े तो स्याही बिगड़ जाएगी, पानी पड़ जाने से स्याही बिगड़ जाती है, फिर तो जो संदेश है वो संदेश भी मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तुरंत वो पत्रिका उन दूतों को दे दी और कहा तुम ही पढ़ करके सुना। तो मिथिला के दूत तो बड़े रसिक, फिर दूतों ने महाराज गा गा करके पत्रिका का भाव बताया। हमारे बक्सर के पूज्य महर्षि मामा जी अद्भुत महापुरुष, बड़े रसिक महापुरुष, किशोरी जी को अपनी बहन मानते, ये भाव था। इसीलिए सभी संत उनको प्रेम से मामा जी कहते। क्यों? बोले किशोरी जी जगत जननी है, सारे जगत की माँ है, और सारे जगत की माँ का जो भाई है वो कौन होगा? बोले सबका मामा ही तो होगा। इसलिए सब लोग बड़े प्रेम से महाराज जी को मामा कहते थे, मामा जी मामा जी, और वो उसी भाव में वो रहते भी थे। जब कथा में जयकार लगाते थे, जय बोलते थे, तो मामा जी की जयकार बड़ी अद्भुत होती थी। महाराज लोग कहते हैं श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, और उनकी जयकार। बोले वो कथा में जब जय बोलते थे तो कहते थे चारों दुल्हा सरकार की, भरत के भाई की, जनक के जमाई की, इस प्रकार ऐसे रसिक शब्दों का प्रयोग करते हुए ठाकुर का जयकार बोलते थे। और सब जयकार बोलने के बाद अंत में कहते थे दुल्हा के सारे की, अपनी छाती ठोक करके, दुल्हा के सारे की जय। बड़े रसिक महात्मा थे, उनकी रचना है। आज भी बक्सर में पूज्य मामा जी के यहाँ विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम से। राम जी का विवाह तो अद्भुत है। वहाँ एक बार बक्सर के विवाह महोत्सव में पूज्य महाराज जी की भी कथा भई थी, शायद 2010 या 11 में, और उसकी भी एक घटना आज मुझे याद आ रही है कि उस कथा में महाराज जी को पहुँचना था और एक दिन महाराज जी लेट हो गए थे। पहले दिन की कथा महाराज जी नहीं सुना पाए किसी कारणवश। तो ये हुआ पहले दिन की कथा कौन सुनाएगा, तो श्री राजा रामदास जी महाराज ने मुझ दास के पास फोन किया, तो एक दिन मैंने सुनाई, फिर आठ दिन पूज्य महाराज जी ने सुनाई बक्सर में मामा जी के यहाँ। बड़ा अद्भुत आनंद हुआ। और गत वर्ष तो किशोरी जी की ऐसी कृपा भई कि बक्सर में मामा जी के विवाह महोत्सव में ही 9 दिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का वाचन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था गत वर्ष। तो पूज्य मामा जी की रचना है कि वो मिथिला के दूत आए तो पत्रिका को पढ़ करके बता रहे हैं, हम तो पाती नहीं थे आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना, हम तो पाती नहीं थे आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना, हमरा घरवा जनक नगरिया राजा आईली भूप दुवरिया, हमरा घरवा जनक नगरिया राजा आईली भूप दुवरिया, मन मारीच गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना, तुमन बारीज गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना, हमरा राजा जनक के दिया जिनके नाम बाटे सिया, हमरा राजा जनक के दिया जिनके नाम बाटे सिया, उनके शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा
जनक दरबार से नाम कर शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से जब जन ले पाप जनक धनुष प्रण ठन ले सिय के शांति रूप जब जन ले पाप जनक धनुष प्रण ठन ले कठिना रख ले सिया स्वयंवर के विचार से राजा जनक दरबार से स्वयंवर के विचार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से झुकने बड़े बड़े भट भूप धनुहा देख के बैठे चूप झुकले बड़े बड़े भट भूप उठल ना कोनो वीर बरियार से राजा जनक दरबार से भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से जनक दरबार से लोक भरल रघुबर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से पाती फल बाटे थोड़ा जल्दी मिथिला के उन दूतों ने कहा सरकार राम जी ने धनुष तोड़ा उनको जयमाल मिला अब मिथिला में इनका विवाह होगा और पत्रिका में ज़्यादा नहीं लिखा है क्यों बोले पत्र लिखने की यही परंपरा थी पहले लोग पत्र लिखते थे तो पत्र में यही लिखा जाता था अत्र कुशलम तत्रास्तु और फिर अंत में लिख दिया जाता था थोड़ा लिखना बहुत समझना थोड़ा लिखना बहुत समझना तो दूतों ने कहा महाराज पाती लिखल बाटे थोड़ा और जल्दी साजी हाथी घोड़ा अब आप जल्दी तैयारी करिए हाथी घोड़े सजाइए और मिथिला के लिए प्रस्थान करिए और जनकपुर में रघुनंदन का विवाह हो हम यही प्रार्थना करते हैं। पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा दिल करत बानी कर जोड़ी सरकार से राजा जनक दरबार से दिल की करत बानी कर जोड़ी सरकार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से ना।
लीला पढ़ करके सुनाई। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा, मेरे बालक कुशल से तो हैं? दूतों ने कहा, महाराज कुशल से हैं, आनंद से हैं, उनकी जय जयकार हो रही है। फिर एक बार दशरथ जी ने कहा, भैया मेरे पुत्रों से मिलकर के आए हो, उनको देखा है तुमने? इतनी बात होने के बाद कह रहे मेरे पुत्रों को देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज हमने देखा है। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन फिर दशरथ जी का हृदय बोल पड़ा, अपनी आंखों से देखा है? क्या स्नेह है दशरथ जी का, इन शब्दों में स्नेह झलकता है। दशरथ जी कहते, अपनी आंखों से देखा? दूतों ने कहा, हाँ महाराज हमने अपनी आंखों से देखा। अब तो बात मान लेनी चाहिए, लेकिन दशरथ जी कहते, क्या प्रमाण है कि अपनी आंखों से तुमने देखा है? मैं कैसे मानूं? तब दूतों ने कहा, महाराज ये कहीं प्रमाण है कि आपके बालक को जो देख लेता है ना, उसको फिर दिखना बंद हो जाता है। यही प्रमाण है, जो आपके बालकों का दर्शन कर ले उसको फिर दिखना बंद हो जाता है, किंवा वो संसार को फिर देखना ही नहीं चाहता है, फिर तो आपके रघुनाथ जी को ही देखना चाहता है। और यही स्थिति हमारी हो गई। दूतों ने कहा, देव देखे तब बालक को, देव देखे तब बालक को, अब न आँखी तर आवत 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 को, देखे तब बालक रो, देखे तब बालक रो, देखे तब बालक। दूतों ने कहा, महाराज आपके बालक को देखने के बाद अब आंखें कुछ देखना ही नहीं चाहती। क्यों? ले ये वेदांत का उपदेश कर रहे मानो दूत। क्यों? मिथिला के दूत हैं, मिथिला के जितने हैं सब पंडित हैं हमारे, सब विदेह पद पूर्ण आत्म विद्या के पंडित। ये मिथिला की विशेषता है। और भागवत जी में तो जब मिथिला के राजाओं के वंश का वर्णन किया है तो सुखदेव जी ने कहा, ये एते वै मिथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारद। ये मिथिला के जितने राजा सब ब्रह्म विद्या विशारद। और राजा ही नहीं, वहां के दीनहीन मलिन, वहां की झाड़ू लगाने वाली स्त्री भी विदुषी होती। मारा भगवान शंकराचार्य के इतिहास में आपने सुना ही होगा, जब मिथिला में मंडन मिश्र के यहां भगवान शंकराचार्य पहुंचे, भगवान शंकराचार्य पहुंचे मंडन मिश्र के यहां, मिथिला में थे मंडन मिश्र पंडित, इस कलयुग की बात। तो गांव में पूछा किसी से, वो मंडन मिश्र का घर किधर है? तो झाड़ू लगाने वाली जो स्त्री थी गांव में, सफाई कर रही थी, उस गांव की ग्रामीण झाड़ू लगाने वाली स्त्री ने भगवान शंकराचार्य से कहा कि, हिंदी में नहीं कहा, श्लोक में कहा, सोचो कितनी बड़ी विदुषी रही होगी वो झाड़ू लगाने वाली स्त्री। कहती है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाह जानी ही तन मंडन मिश्र धाम। चले जाओ ऐसे आगे, जिसके दरवाजे पर तोता और मैना पिजड़े में बैठे हैं, एक तरफ तोता है एक तरफ मैना है, और दोनों तोता मैना आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हैं। आज सवेरे से उनका शास्त्रार्थ चल रहा है दोनों का। बोले, किस विषय को लेकर? बोले, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम। ज्ञान स्वतः प्रमाण होता है कि परतः प्रमाण होता है? ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए क्या दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है? एक तर्क। और ज्ञान स्वतः प्रमाण है, उसको पर प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इस बिंदु को लेकर, मीमांसा के सिद्धांत को लेकर दोनों लड़ रहे हैं। सवेरे शास्त्रार्थ चल रहा है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम की रांगना यत्र गिरो गिरंति। जिसके दरवाजे पर ऐसा दृश्य दिख जाए, समझ लेना कि वो मंडन मिश्र का घर है, जिस पंडित के घर के तोते मैंने भी शास्त्रार्थ करते थे। ये मिथिला की भूमि है, मिथिला में तो सब पंडित।
वो मिथिला के दूत भी बड़े विलक्षण और पांडित्य युक्त। अब तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि क्या आज्ञा है, दूतों ने कहा महाराज आप तो रथ तैयार करो और मिथिला के लिए प्रस्थान करो। दशरथ जी महाराज ने उनको ढेर सारा उपहार देने का प्रयास किया। दूतों ने कहा हम मिथिला के हैं, हमें ये वस्तुएं नहीं चाहिए, हम कन्या पक्ष के हैं, हम इन वस्तुओं को लेकर के क्या करेंगे, आप तो बारात सजाओ और मिथिला के लिए चलने को तैयार हो जाओ। जनक जी महाराज इनकी शिष्टता को, दशरथ जी महाराज इनकी शिष्टता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया, तैयारी हुई, निमंत्रण गया और निमंत्रण गया, बारात सज गई और अयोध्या से सुंदर मंगल बेला में बारात चल पड़ी। चार दिन चार रात्रि में चल करके बारात मिथिलापुरी पहुंची। तीन दिन तो वहां से दूतों को आने में लगा और इधर से बारात जब अयोध्या से चली तो चार दिन लगा। चार दिन में बारात जब पहुंची, जनक जी महाराज ने बारातियों के लिए सुंदर स्थान दिया, सबकी सुंदर व्यवस्था की और व्यवस्था के पश्चात सबके स्वागत सत्कार के पश्चात श्री जनक जी महाराज ने रास्ते में अनेक प्रकार के मंगल कौतुक हुए। भैया राम जी की बारात जो है बड़ी अद्भुत बारात थी, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इस बारात की विशेषता क्या थी? बोले राम जी की बारात की एक सबसे बड़ी विशेषता, दुनिया में जितनी बारात आपने देखी होगी उस बारात में दुल्हा रहता है, और राम जी की ऐसी बारात जो बिना दूल्हे की बारात जा रही है अयोध्या से, दूल्हा पहले पहुंच गया, ये पहली विशेषता है। कोई दुनिया में ऐसी बारात आप बताओ जिस बारात में दूल्हा न हो, ये तो राम जी की ही ऐसी बारात है कि दूल्हा पहले ही ससुराल पहुंच गया और बारात पीछे से जा रही बिना दूल्हे की बारात। रास्ते में किसी ने पूछा भाई बारात तो बड़ी सुंदर है कहाँ से आ रही? बोले अयोध्या से आ रही। बोले जाएगी कहाँ? बोले जनकपुर जा रही। बोले बहुत अद्भुत बात, ऐसी बारात अयोध्या से चली और जनकपुर जाएगी और इतनी बराती और ऐसी सुंदर व्यवस्था, तो दूल्हा किधर है? अब दूल्हा कौन बतावे दूल्हा किधर है, दूल्हा था ही नहीं। अब बरातियों को कोई जवाब नहीं, तो किसी बराती ने अपनी जान बचाने के लिए कहा वो दूल्हा पीछे आ रहा है, बारात बहुत लंबी है ना, देख लेना पीछे आ रहा। लोग पूछने वाले प्रतीक्षा करते रहे, पीछे वाले आए, पूरी बारात निकल गई, दूल्हा दिखा ही नहीं। लोगों को उत्सुकता थी, बारात जब इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। पूरी बारात जब निकल गई, दूल्हा नहीं दिखा, तो अंत में पीछे जो लोग थे उनसे बड़ा लोगों ने पूछा भाई तुम्हारे इस बारात का दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा आगे गया। अब क्या जवाब देते? तो पूछने वाले भी बड़े गजब थे, उन्होंने कहा आगे वालों ने कहा पीछे है और पीछे वालों ने कहा आगे है, ना आगे दिखा ना पीछे दिखा। तब बराती क्या करें, बरातियों ने कहा तुम देख नहीं पाए, बीच में रहा होगा, चला गया। लेकिन समस्या तो समस्या थी। अब सारे लोग आकर के दशरथ जी महाराज से कहने लगे राजन आपने क्या किया, ऐसी बेइज्जती करवा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहां दूल्हा कहां, क्या जवाब दें? दशरथ जी ने कहा अच्छा। दशरथ जी गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव वशिष्ठ से कहा गुरुदेव एक समस्या आ गई है यात्रा में, इस बड़े यात्रा में। बोले क्या? बोले लोग दूल्हे के विषय में पूछ रहे दूल्हा कहां है, क्या जवाब दें? तो वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, अब कोई पूछे दूल्हा कहां है तो एक नहीं कह देना दो दो दूल्हे हैं, लो देख लो, एक भरत को बता देना एक शत्रुघ्न को बता देना, ये दो दूल्हे हैं हमारे साथ। गुरुदेव वशिष्ठ की वाणी प्रकट हो गई, इसका मतलब इन दोनों का ब्याह भी तय हो गया। विप्र का वाक्य, वशिष्ठ जी की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। अब तो बारात चल पड़ी, फिर आगे जाने पर रास्ते में किसी ने पूछा बारात इतनी सुंदर और दूल्हा एक नहीं दो दो दूल्हे, तो ऐसा ये सुंदर विवाह कब होगा, किस तिथि में होगा? तो लोगों ने कहा अब तिथि क्या बतावें, तिथि भी निश्चित नहीं थी। आज के जैसा नहीं था कि महाराज पहले तिथि निश्चित हो जाए तब कार्ड छपे तब विवाह का निमंत्रण जाए। विवाह का निमंत्रण चला गया, बराती चल पड़े, लेकिन किस तिथि को विवाह होगा ये अभी तय नहीं है। था ये कि वहां पहुंचने के बाद दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे, ब्राह्मण लोग बैठेंगे, तब विचार होगा, तब तय होगा किस दिन किस मुहूर्त में विवाह होगा। लोगों ने पूछा इतनी सुंदर बारात इतना सुंदर दूल्हा, ये विवाह किस तिथि को होगा? अब किसी को तिथि नहीं मालूम, तो लोगों ने कहा अब वहां जाएंगे तब तिथि तय होगी तब विवाह होगा।
तो पूछने वालों ने कहा इतने पहले से जा करके क्या करोगे, अभी तिथि भी तय नहीं और इतने पहले से जा करके ससुराल में बैठोगे क्या करोगे। तो बरातियों को कोई उत्तर नहीं, बरातियों ने कहा क्या करेंगे, मिठाई खाएंगे, आनंद करेंगे और क्या करेंगे। तो पूछने वाले भी बड़े विचित्र थे, उन्होंने कहा तुम्हारे घर में खाने को नहीं मिल रहा था क्या, भूखों मर रहे। तो अयोध्या वासियों ने कहा फिर यही समझ लो कि खाने को नहीं मिल रहे थे और क्या करें। मेरे राम जी की अजब बरात अब जैसे मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बरात अब जैसे मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बरात अब जैसे मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बरात अब जैसे मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मर गए सतुखा तब जैसे मिथिला चली, यहाँ मर गए सतुखा सखियन के सुनी व्यंग बचन पर, 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 राजी सुमुस्ता तब जैसे मिथिला चली, राजे सुमुस्ता तब जैसे मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बरात अब जैसे मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बरात अब जैसे मिथिला चली, अब जैसे मिथिला चली, अब जैसे मिथिला चली। बरातियों ने कहा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, यहाँ मर गए सत्तू खात, यहाँ तो घर में सत्तू खाते खाते मर गए, मिथिला में व्यंजन खाएंगे। इस बात को सुनकर के रघुनाथ जी भी और दुल्हा सरकार सब लोग जितने बरात में थे सब आनंदित हो रहे हैं, हंस रहे हैं। इस प्रकार अनेक कौतुक मंगल पूर्वक बरात मिथिला में पहुँची। जनक जी महाराज ने सबके रहने का उचित स्थान दिया, सबके लिए सब कुछ व्यवस्था की, लेकिन आपको बतावें वो व्यवस्था कम पड़ गई। बस 5 मिनट में वाणी को विराम देंगे। तो वो सारी व्यवस्था जनक जी ने जो कर रखी थी वो बरातियों को देखकर इतनी बरात पहुंच गई महाराज कि वो व्यवस्था कम पड़ गई। कितनी बड़ी राम जी की बरात थी, बोले 164,000 तो रघुवंशी राजकुमार थे उस बरात में, चतुष्षष्ठ सहस्राणी लक्षोपरि रघुवंशजा विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागता। भगवान रामभद्र के विवाह में 164,000 क्षत्रिय कुमार भगवान की सखा मंडली विवाह में गई थी, बाकी जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे रिश्तेदार नातेदार थे उनकी क्या बात थी। और दशरथ जी का संबंध तो स्वर्ग तक था, स्वर्ग के देवता इंद्रराज के परिजन पुरजन साहब, इतनी लंबी बरात और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा लोग, इतनी बड़ी बरात देख करके जनक जी महाराज व्याकुल हो गए। जनक जी ने सोचा मैं अपनी पूरी मिथिला नगरी बेच दूं और उसके बदले में घास भूसा मंगाऊं तो अयोध्या से आए हुए हाथी घोड़ों का चारा भी पूरा नहीं होगा, इतनी बड़ी बरात। ये अतिशयोक्ति नहीं है, सत्य है। अयोध्या से जितने हाथी घोड़े गए थे उनका चारा भी पूरा नहीं होगा। जनक जी को बड़ी चिंता हुई, मैं क्या करूं। श्री जानकी जी जान गई अपने पिता की चिंता को और श्री जानकी जी ने समस्त सिद्धियों का स्मरण किया, अष्ट सिद्धि नवनिधियों का स्मरण किया, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम स्वावश्य, सारी सिद्धियां प्रकट हो गईं। उन सिद्धियों ने अपने द्वारा अनेक उपसिद्धियों को प्रकट किया और फिर तो ऐसा चमत्कार हुआ
कि महाराज बरातियों की ऐसी सेवा हुई कि बरातियों ने कभी बाप जन्म में ऐसी सेवा देखी नहीं थी। महाराज ऐसी सेवा हुई जिसको जो चाहिए, हाँ, किसी को प्यास लगे और पानी पीने की इच्छा हो और वो ढूंढने चले कहाँ पानी मिलेगा, उसके पहले कोई दासी स्वर्ण के पात्र में जल लेकर के आती और कहती आपको प्यास लगी है, आप पानी पीना चाहते हैं, लीजिए। वो आदमी तो चौंक जाए, महाराज ये कैसे जान गई, हम तो अभी मन में ही सोच रहे थे। ऐसा चमत्कार, क्योंकि वो दिव्य सिद्धियां थी। इतनी बड़ी बारात में केवल बड़े लोग ही नहीं गए थे, अयोध्या से छोटे छोटे बच्चे भी गए थे। महाराज राम जी की बारात में कौन नहीं जाना चाहेगा, छोटे छोटे बालक भी गए थे। अब इतनी लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में बच्चे अपने माता पिता भाई से बंधु से जो उनके लोग साथ में गए थे, पिता चाचा नाना दादा, उनसे बिछुड़ जाएं तो खोजने के लिए परेशान हो, दादाजी कहाँ दादाजी कहाँ, तो उनको खोजना नहीं पड़ता था। महाराज वो बच्चे अपने पिता से बिछुड़ जाएं उस भीड़ में, उनको याद आवे पिताजी कहाँ हैं, तो कोई देवी प्रकट हो जाती, उस बच्चे को गोद में लेती और ला करके उसके पिता के पास पहुँचा देती। ऐसा अद्भुत अद्भुत चमत्कार। राम जी का विवाह, विवाह तो हमारे राम जी का ही हुआ। महाराज कृष्ण भगवान के विवाह तो बहुत हुए, 16,108 थोक भाव में विवाह हुआ, फुटकर नहीं हुआ, थोक भाव में। लेकिन किसी भी विवाह में भगवान कृष्ण को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दुल्हा बनकर के जाते और सारी सरहज उनकी आरती उतारती और गीत गाती और मंगल गीत होता, ये सब कृष्ण भगवान के विवाह में तो नहीं हुआ। राम जी के विवाह में सारी सरहज ने जो लाड लड़ाया है दुल्हा सरकार को, राम जी के विवाह की कथा बड़ी अद्भुत। बारात मिथिला में पहुंच गई, सबके लिए दिव्य सुंदर व्यवस्था हो गई। अब बारात जनवासे में रुकी है, अब जनवासे में दोनों पक्ष के लोग बैठे, विश्वामित्र जी भी बैठे, वशिष्ठ जी बैठे, सतानंद जी, जनक जी, सबका एक दूसरे से मिलन परिचय हुआ। दशरथ जी महाराज थोड़े चिंतित थे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ऐसे विवाह के अवसर पर आप चिंतित हैं, आपके पुत्र का विवाह होने जा रहा, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव प्रसन्न तो मैं भी हूं, लेकिन एक चिंता है। बोले क्या? बोले आपको तो सब मालूम है, चौथी अवस्था में चार बालक प्रकट हुए, चारों एक साथ जन्मे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए, इनका सारा संसार संस्कार एक साथ हुआ, अगर इनका विवाह भी चारों का एक साथ हो जाता तो मैं अपनी आंखों से देख लेता, मेरे जीवन की सारी आशाएं पूर्ण हो जाती। इतना कहना था दशरथ जी को, तब तक गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जनक जी से, जनक तुम्हारी जो औरस पुत्री उर्मिला हैं, लक्ष्मण के लिए मैं उर्मिला का वरण करता हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ ने लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से तय कर दिया। और तब तक विश्वामित्र जी ने क्या किया? बोले विश्वामित्र जी ने कहा, राजा जनक के जो छोटे भाई आए हैं महाराज कुशध्वज, जो सांकास्य देश के राजा हैं, इनकी दो बेटियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति, इन दोनों कन्याओं का विवाह मैं भरत और शत्रुघ्न के साथ तय करता हूँ, इसकी घोषणा करता हूँ। दोनों महात्माओं ने मिलकर, गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र ने मिलकर चारों का विवाह फाइनल कर दिया। अब तो महाराज बाजे बजे और जय जयकार होने लगी। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। अब तो आनंद चतुर्गुणित हो गया और फिर चारों भाइयों का विवाह होता है। अब विवाह की विधि का कल वर्णन करेंगे, आज सब थक करके आए हैं बारात लेकर के, तो थोड़ा विश्राम करें, विवाह तो कल होगा। तो लेकिन दुल्हा तो तय हो गए चारों दुल्हा। अब दुल्हा सरकार की आरती कर लें, पहले यहाँ दुल्हा सरकार की आरती, फिर ऊपर ठाकुर जी की आरती। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, चारों दुल्हा सरकार की, जय जय सीताराम। मनोरथी भगवती आदि व्या बहन अरुण भाई से विनती है, मंच पर निराजन हेतु पधारिए। हमारे स्वर्गीय ट्रस्टी श्री मधुसूदन भाई मेहता का परिवार, अशोक भाई मेहता और परिवार से विनती है, आरती के लिए मंच पर पधारे। साथ में श्री हेमंत भाई लाखानी आपसे विनती है, मंच पर निराजन हेतु पधारने के लिए। आइए हम सभी संग मिलकर दुल्हा सरकार का निराजन करें, फिर श्री हरि मंदिर में ठाकुर जी का निराजन भी आरंभ हो गया है, वहां भी हम सम्मिलित होंगे।
दीपतंपति की आरती रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के तिहारे मऊर लर मोतिए हीरा तिहार मऊर लर मोतिए जप कल चार भी होती धोतिए जप कल चार भी होती धोती चरण महावर कर कंगन दुल्हा के देखूं चरण महावर कर कंगन दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के कजरवा अलक घुंघरारी कारी नयन कजरवा अलक घुंघरारी कारी कनवा में कुंडल सोहे ओटवा पे पान की लाली कनवा में कुंडल सोहे ओटवा पे पान की लाली मिल राफ लाल लाल चंदन दुल्हा के चमके मिल राफ लाल लाल चंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के मुस्कान हो कोई उपमा न सकल जहान राखी कोई उपमा न सकल जहान रामू कोटि छवि बारू अंग अंगन दुल्हा के काम कोटि छवि बारू अंग अंगन दुल्हा के सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है लाडली कृपा से पौनी ऐसन में मान है नाही भूले गठबंधन दुल्हा के ऐसन बांधु नाही भूले गठबंधन दुल्हा के आरती सखिए चारो दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के सखिए चारो दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के सखिए पाहुन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के सखिए पाहुन दुल्हा के सखिए आरती सीताराम 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 जय सीताराम
सीता रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। ओम नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालोद्भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। हम सभी श्री हरि मंदिर में ठाकुर जी का मंगलमय निराजन आरंभ हो गया है। हम सभी निराजन में जुड़ेंगे और फिर निराजन के बाद रास गरबा किया जाएगा श्री हरि मंदिर के ही पवित्र प्रांगण में। और कल प्रातः वेला 8:30 बजे से हमारे ऋषि कुमारों के द्वारा श्री हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ हो जाएगा। 9 बजे से हम सभी अनुष्ठान की दिव्य यात्रा के साथ जुड़ेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सभी को प्रेम प्रणाम। सीता राम 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 सीता राम।